एक बार साउंड चेक हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का थीम लिखवा दिया था मैं, है ना? नहीं लिखवाया था? बहुत दिन छुट्टी हो गया यार, बहुत दिन गैप कर लिए सब। नहीं, क्लास वैसे खुला हुआ था, ठीक है, सब जिसको पढ़ना था वो पढ़ी रहा था। और मैं बार बार चिल्ला के, कुछ दिन से देख रहे हो, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि हमारा और आपका रिश्ता नाता ईमानदारी से ये 7 महीना तक है, जितना फायदा उठा लो उठा लो, मेरा जितना फायदा उठाना उठा लो, क्योंकि 7 महीने बाद ना आप डांटने वाले हैं, ना बोलने वाले हैं, ना सुनाने वाले हैं, कुछ नहीं। इसीलिए जो मैं जो कुछ लोगों को दशहरा में इसलिए रोका था, क्योंकि देखो दशहरा के जस्ट बाद फिर एक नया मैसेज आ जाता है दीपावली का, कि खुशी रहता है कि चलो 10-15 दिन बाद तो फिर दीपावली है ही, टेंशन है नहीं, उधर फिर ना चाहते हो भी टाइम वेस्ट होता है। तो आपसे निवेदन सिंपल ये है कि 6-7 महीना खूब बढ़िया से यूटिलाइज कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मतलब ठीक है, एक बार दिखाइएगा, मजा आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो बार बार 6-7 महीना बोल बोल के आपको कर रहा हूँ, मैंने उसमें ग्रुप में लिखा था कि अनाउंसमेंट है, मे बी परमानेंटली मैं क्लोज कर दूंगा इंस्टीट्यूट, मे बी परमानेंटली ये 7 महीने बाद। तो ये 7, देखो मैं अपना एनर्जी पूरा लगा चुका हूँ, अगर आप ये 7 महीने आप देखो नहीं दोगे आप टाइम और नहीं मेरे बात करो, तो क्या भाई हम ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया गलती हो गया, हम सपना देखे थे आईएएस बनाने का, गलती देख लिए थे, तुम लोग जाओ खुश रहो। तो 7 महीने बाद हम ना बोलने वाले नहीं कुछ नहीं। अनाउंसमेंट यही है कि आफ्टर 7 मंथ इफ रिजल्ट विल नॉट कम आई विल क्लोज द परमानेंट इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने खोला नहीं था प्रॉफिट कमाने के लिए, मैंने वैसे मकसद से खोला था। तो मुझे अगर एहसास होने लगा है कि अब कोई नहीं करने वाला है और सभी लग रहा है कि अब नहीं कुछ होने वाला है, तो भैया हम ही गलती हो गया, माफी करेंगे और हम बंद बंद करके आराम से अपना कहीं और फील्ड देखेंगे। तो इसीलिए फिर भी मैं बोलूंगा, विश्वास अंदर से है मुझे कि 7 महीना बाद बहुत बढ़िया होगा। 7 महीना पूरा सब बिना सब सोचे समझे बढ़िया से दीजिए, टाइम दीजिए। अब कुछ लोग छुट्टी ले लेते हैं कि जाना है, ये है, वो है, जाना जाओ, मैं मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि दीपावली और छठ में नहीं चाहते हुए मैं रुक नहीं पाऊंगा आपको, छठ में कितना भी कोशिश करूंगा तो रुक नहीं पाऊंगा, दशहरा रोका जा सकता है, उसके बाद और कहीं नहीं। तो जिसको यूटिलाइज करना हो कर रहा है, बाकी मेरा भरोसा उठ गया है, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं कि 7 महीना हम पूरा जान लगाएंगे, आप पूरी तरीके से जान लगाएंगे, आप इसमें शामिल हो तो ठीक है, जो नहीं शामिल है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 महीना पूरा फारचीर के मेहनत होगा, समझ पा रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7 महीने लगने चाहिए, मेहनत किए हैं, बाकी उसके बाद जहां आप हैं जैसे आप हैं खुश रहिए। खैर, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, वापस ध्यान से समझना, क्या सब ठीक हो? पहले जोर से बोले सर, हो सर आते आते बेकार न्यूज सुना दिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भैया मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, मेरा उस रूम में जो था ना वो बढ़िया था, मुझे कोई प्रेशर भी नहीं था, आराम से था, पैसे मिल रहे थे, बच्चे आ ही रहे थे, ये रूम में लेने का क्या पर्पस है, मेरा क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं, मैं इसलिए कि भैया मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, रह सकता हूँ, बात खत्म है। दूसरा, तो वहां भी आ रहे थे आप लोग, तो अगर उस पर्पस का आप नहीं खामियाजा भुगतेंगे और आप उस चीज को नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, एक टीचर सामने से बोल रहा है कि हम हैं पूरा यूटिलाइज करो, अगर आप नहीं यूटिलाइज करेंगे तो फिर मैं क्यों करूंगा, मैं ही हार मानूंगा यार, मैं गोल पकड़ लूंगा कि भाई गलती हो गया कि हम सपना दिखाए गए इस बन में रेलवे वेलवे बोलते तो ठीक रहता। खैर, बोना डिस्ट्री में मैंने आपको थीम लिखवाया था, लेकिन उस थीम से पहले कुछ बातें बता देता हूं, मुझे बुक एक बार दीजिएगा स्पेक्ट्रम का। चलो पहले जो ध्यान से समझिएगा, क्या सब सुन पा रहे हो? लोड मत लो, आराम से पढ़ो और जीवन का आनंद लो, क्योंकि 10-15-20 दिन बाद फिर छुट्टी हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इसी मंथ में जहां तक हो जितना पढ़ने के लिए दूंगा पढ़ लेना, खत्म कर लेना, और बाकी जो मैं कराते जाऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री इस मंथ में खत्म, उसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे, फिर मैं जो नेक्स्ट वाला बैच है आईआर उसको कंटिन्यू करूंगा, और उसी आईआर के साथ जो भी बैच नया आएगा अभी, तो उसी में मर्ज करके मैं आगे कराता चाहूंगा, वो 7 महीने उनका भी सिलेबस कंप्लीट करूंगा एंड देन वी विल फाइनली डन। तो इसके बाद अब आते हैं, ध्यान से समझिएगा कि क्या है। पहला ये ट्रिक जो दिख रहा है, मैंने बहुत पहले ट्रिक कराया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस ट्रिक में थोड़ा सा चीजें अपडेटेड है, और प्लस इस ट्रिक को कराने का मकसद ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैप्चर किया जा सकता है। तो पहले सोर्स पे आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सोर्स में अगर आते हो तो सोर्स में कुछ नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो मात्र एक ही चीज है जो आपको कवर करना है, सोर्स में मात्र एक चीज है, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ कवर नहीं करना है, बस स्पेक्ट्रम ही कवर करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? सुन पा रहे हो क्या? थोड़ा प्लीज लाउड बोलो ना, या सर हो? तो सर स्पेक्ट्रम कवर अप करना है, और स्पेक्ट्रम कवर करने के बाद इसमें कहां से पढ़ना है मैं टिक लगवा दूंगा, पूरा उतना ही पढ़ना। फर्स्ट रीडिंग पूरा होगा, सेकंड रीडिंग भी कोशिश करना है पूरा होना चाहिए, थर्ड रीडिंग में बिल्कुल सेलेक्टिव होगा, जहां से मैं बोलूंगा वहां से होगा, समझ पा रहे हो? ये पूरा बुक इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी, ना कभी रहा है ना कभी होगा।
तो जहां हम बता देंगे वहीं से रीड करते जाना, क्लियर है? बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो अब आते हैं इसमें, ईमानदारी पूर्वक अगर बोलूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एंशियंट और मेडाइवल वो दोनों अलग चलता है, उसका गेम अलग है, मॉडर्न का गेम अलग है। मॉडर्न गेम कहानी वाला है, मॉडर्न के गेम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि तामझाम है और क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न सिंपल एक कहानी की तरह है, एक बार में पढ़ जाओगे तो मामला आसान हो जाएगा, एक बार पैटर्न बन गया तो दोबारा फिर काम आसान हो जाएगा। तो जो हम थीम है उस थीम को एक बार डिस्कशन कर लेंगे, फिर आगे उसके बाद मामला बढ़ाते जाएंगे। तो उस थीम से पहले हेडिंग डालोगे मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रिक, पहला डालोगे तेजी में। मैं चाहता हूं कि ये पहले करा लूं ताकि उसके बाद आसानी से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, ठीक है ना? तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रिक, देखो इसमें ना टोटल 5 ट्रिक्स है। अच्छा थीम मैंने जो लिखवाया था, थीम जरा बोलना तो मेरे को क्या क्या लगा। पहला थीम थोड़ा तेज बोलो सिमोन, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उसके बाद दूसरा लेटर मुगल्स, लास्ट वाले वही बहादुर शाह जफर और सारा कुछ लास्ट। उसके बाद उसमें क्या था, ब्रिटिश एम्पायर, चूंकि ब्रिटिश आ चुका है तो ब्रिटिश एम्पायर का। तो पहला थीम हो गया एडवेंट, लेटर मुगल्स एंड ब्रिटिश एम्पायर, क्लियर है? थीम टू 1857 का रिवॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1857, और उससे साथ और क्या था, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो सामाजिक और जो आपका ब्रह्म समाज हुआ, जितना भी सारे समाज है, प्रार्थना समाज है, सारा कुछ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है? थीम थ्री नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड मास नेशनलिज्म, कराया था ये। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट और मास नेशनलिज्म चूंकि 1857 एक शुरुआत हो ही चुका था, लोगों को 1857 का फायदा क्या हुआ, लोग को एहसास हो गया कि अगर मिल के किया जाना तो काम हो सकता है, विश्वास एक हो गया। नुकसान तो हुआ ही, बहादुर शाह को पीटा गया वो अलग, उसके बाद लोगों को दबाया गया अलग, तोप से उड़ाया गया, लेकिन एक फायदा हुआ कि लोगों को एहसास हो गया कि भैया काम किया जा सकता है अगर साथ मिलकर किया जाए तो। खैर, तो थीम फोर फ्रीडम एंड पार्टीशन, ठीक है, यानी कि जो आजादी और वो सारा कुछ। और लास्ट थीम फाइव है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया 1947 के बाद। देखो ये थीम मैंने आपको बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस थीम में कुछ मैं पूरा टॉपिक वाइज लिखवाऊंगा। मतलब क्या, इधर कि इंडिया का 18th सेंचुरी में क्या रोल था, उसके अंदर टॉपिक लिखवा दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ते जाना है। क्या सुन पा रहे हो, मतलब एक थीम के अंदर क्या टॉपिक होगा। जैसे थीम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हो सकता है। एक हो सकता है कि भैया पहले मान लो आ गया फ्रेंच, मान लो पहले आ गया पुर्तगाल, मान लो पहले आ गया ब्रिटिशर्स, तो उसके अंदर का मैं टॉपिक लिखवा दूंगा, उतना ही पढ़िएगा कृपया करके, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्लियर है? ताकि वो क्लियर रहे कि हाँ भैया इतना पढ़ना है। तो अब इसके आगे आते हैं और मामला आता है। तो पहला क्या थीम हमारा हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में, ऊपर लिख लीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, रीडिंग आपको करना पड़ेगा, बहुत 7 बार 8 बार रीड करना पड़ेगा तभी होगा। बिना मॉडर्न हिस्ट्री रीड करने का कोई उपाय नहीं है कि हम आपको घोर के पिला देंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ट्रिक पे। तो थीम के बाद मॉडर्न हिस्ट्री ट्रिक पे आइए और उसके बाद जीवन का आनंद लेते हैं, ठीक है? अब वो कहां से आएगा भैया, चलो। तो अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री ट्रिक। तो पहला ना हेडिंग डाल लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री ट्रिक, टोटल 5 ट्रिक्स पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैंने बार बार पहले बोला भी है आपको कि मैं क्या दब गया था, चलो अब हुआ, ठीक है। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री ट्रिक में सबसे पहले भैया पहला ट्रिक में ये वाला देखना ध्यान से, बंगाल। पहले ना एक काम करना, पेज पे 5 ट्रिक्स पहले लिख लेना, फिर एक एक ट्रिक्स को काम करेंगे, ठीक है? तो पहला ट्रिक देखो यहां, बंगाल से स्वामी
कलकत्ता सुमन के घर गया। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल मैंने लिखा है, तो स्वामी जी पे गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा सा नहीं टिकेगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के जो है हटा दिया। ध्यान रखना, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया। ये पहले ट्रिक ऊपर में लिखिए, इसमें जगह मत छोड़िएगा, पहले ट्रिक लिख लीजिए। समझ पा रहे हो भैया? क्या अलर्ट हो? तो पहला ना ये वाला ए ट्रिक लिखना, ट्रिक नंबर वन। फिर उसके बाद ट्रिक नंबर टू। अब ट्रिक नंबर टू जो लिखना है वो मैं इसमें दिखा देता हूं, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, मैं बोलूंगा उससे अच्छा आप देख के लिख लेंगे तो और इजी रहेगा। ठीक है, ट्रिक नंबर टू, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। दिख रहा है? लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, ट्रिक दिख रहा है आराम से? और सर हम लोग तो एटलीस्ट खा ही जाते हैं, तो लाख खीरा ये ट्रिक सर बहुत काम का है, हम आपको पूरे गारंटी से बोल रहे हैं कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चेपा जा सकता है इसके अंदर, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसको रख कर इसमें पॉइंट्स डालते जाएंगे। खाली आप ऊपर लिखना, ये अंदर का कुछ मत लिखना अभी। लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, हो गया? जोर से बोलो ना। और जो ध्यान से देखना, क्योंकि ट्रिक आप ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर का सेंटेंस भी लिख के रखना, क्योंकि पहली बार है तो आपको दोबारा जब देखिएगा तब पता लगेगा कि क्या लिखवाया था पता नहीं, इसलिए वो वाला जरूर लिख लेना ताकि वो दिमाग में रहे। क्लियर? कितना हो गया ट्रिक? पहला ट्रिक जरा बोलना क्या था, बंगाल से स्वामी कल, बोलना नहीं तो दिमाग में नहीं आएगा, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के गर्ल्स हॉस्टल गया। क्लियर है? थीम टू, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, हो गया। अब ट्रिक थ्री, नीचे आना जरा, खिलाओ ना चाचा शीला को, देख लो दिख रहा है? तो ये थीम जो है थर्ड आपका है, खिलाओ ना चाचा शीला को, ये लिख लो, पर लिख लेना ये जरूर। ट्रिक नंबर थ्री, हाथ थोड़ा तेजी में बढ़े, पता है कि चार दिन आप लोग खाली खाए हैं, मेला में घूमे हैं, बहुत जन देख रहे थे फूफी बजा रहा था, आप समझ पा रहे हैं, और पुपई तो सर थोड़ा सा ध्यान रख लो। देखो 20 दिन बाद 10, मतलब 20 दिन तो बहुत ही मैं कह दिया, आई थिंक नवंबर 1 तारीख 4 तारीख के बाद फिर देखो माहौल वैसा बनना शुरू हो जाएगा दीपावली वाला, कहे कि गाना बजाना शुरू कर देगा मॉल वाला बाहर, हमनी के छोड़ के नगरिया वगरिया सब शुरू करेगा, आप उसी भाव में, हाँ सुंदर आ रहा है भाव भाव, उसी भाव में आप नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि निपटा दे इसी मंथ में, बाकी जो जितना पढ़ने के लिए दूंगा उतना पढ़ लेना, बात खत्म। कितने ट्रिक हो गए? तीन की चार, तीन। चलो नेक्स्ट आओ, थीम ऊपर में लिखते जाना, डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री, दिख रहा है? तो डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री लिख लेना पहले। अब कितना हुआ? चार। डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री। नेक्स्ट थीम फाइव, सॉरी ट्रिक फाइव, लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और एमएयू। यहां पे जो लिखे हो ना ध्यान से देखना, जो मैं लिखा हूं शिमला से कैबिनेट कुछ मत लिखना यार, थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या करना, लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट लिखना है, इसको हटा देना, ठीक है ये हटा दिया, शिमला कैबिनेट और ये भी ये हटा देना, और एमओयू, और एमओयू ये एक लाइन में हट जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है हट जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और एमओयू, क्लियर है? टोटल yes, कितने हो गए ट्रिक? पांच। आज हम चाह रहे हैं कि पांचों ट्रिक देखना, ये पांच ट्रिक देखने में लग रहा है आसान है, अब इसके अंदर अंदर जब जाएंगे ना तो पता चलेगा कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म आ दिया यही में, इसीलिए थोड़ा दिमाग में अलर्ट रखिएगा, मजा आएगा और आपके सामने होगा एकदम, और हम पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं। इस पांच ट्रिक से थोड़ा सा मेहनत अगर आप एक बार दो बार रीड कर लिए और इस पांच ट्रिक पे कमांड कर लिए बढ़िया से, आई कैन गारंटी यू गर्दा मचा दीजिएगा, कुछ बुझा रहा है? तो ध्यान में रखिएगा कि गर्दा ही मचाना है। तो सर टोटल कितने ट्रिक हो गए? कितना हो गए? पांच। मेरे तरफ देखना जरा और बताना पहला ट्रिक क्या था, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, ट्रिक वन। ट्रिक टू, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, ट्रिक थ्री, बोलो ट्रिक थ्री,
लॉन्ग लस करा है क्या? हाँ ट्रिक थ्री सर, तो पहला ट्रिक के बाद दूसरा ट्रिक क्या था ये बताओ, लाख खीरा, और तीसरा खीरा सॉरी तीसरा क्या था, खिलाओ ना चचा सीला को, चौथा डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री, और थीम सॉरी ट्रिक फाइव, लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और एमओयू। क्लियर है? क्लियर है पक्का ना? अब हम वापस आते हैं इससे थोड़ा सा, देखो एक विद्रोह का क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि जैसे क्वेश्चंस अगर मान लो 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 क्वेश्चंस में कहां कहां से दो क्वेश्चन कहां, एक क्वेश्चन कहां, तीन क्वेश्चन कहां, ये मैं पैटर्न बता देता हूं, उससे गारंटीड आप 20 में से 18 आराम से खींच लोगे, एकदम गारंटीड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से एक क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो उसके बाद आपको फिर मॉर्ले मिंटो सुधार पूछ दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूछ दिया, 1909 पूछ दिया, तो ये जो है ना पार्ट वहां से एक दो क्वेश्चन उसका सबका शॉर्ट ट्रिक बनाए हूं, इसलिए जो तीन चार दिन गैप मिला है इसमें यही कांड किया हूं ताकि वो काम और आसान हो जाए। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कहां से, जनजातीय विद्रोह से, जैसे मोपला विद्रोह पूछ देगा, ओम विद्रोह पूछ देगा, ये सब उस विद्रोह का भी एक आराम से शॉर्ट ट्रिक बताया हूं ताकि सारा विद्रोह का एक क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन भी अपने कब्जे में रहे। क्या सुन पा रहे हो? कभी कभी उसमें से क्या करता है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि इसमें से कौन पहले घटित हुआ है और कौन बाद में घटित हुआ है। क्या सुन पा रहे हो? जैसे क्विट इंडिया पहले हुआ है या फिर क्रिप्स मिशन पहले हुआ है। अब वो क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन आएगा और मान लो आसानी से हो जा रहा है तो फिर छोड़ेंगे क्यों, जब टफ रहेगा तब देखेंगे। क्या सुन पा रहे हो? तो सर ये हो गए, अब इसके आगे एक मैं लिखना नहीं है, ये चार हो गए, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं आता हूं तो आपको एक मिलेगा, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, जो कंटेंट वाला है वो अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। अब वापस आते हैं ट्रिक नंबर कहां वन, अब आप फ्रेश हेडिंग डालिए और ट्रिक वन डालिए, तेजी में डालिएगा, देखो जितना तेजी में डालो उतना फायदा आपका है, ठीक है। कहेंगे हम तो आज 25-26 हो ही गया, चार दिन में मॉडर्न हिस्ट्री निपटाना है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रीडिंग करने के लिए मैक्सिमम मैं ईमानदारी से बोलूं कोई गधा बच्चा है अगर वो पढ़ना चाहे तो 7 दिन सफिशियंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, 7 डेज बहुत ज्यादा दिन है, समझ पा रहे हैं? और अगर 7 दिन अगर आप 8-8 घंटा निकाल लिए तो बहुत हो गया, वो भी बहुत हो गया, 4 घंटा निकाल दीजिएगा तो ऐसे ही गर्दा मचा दीजिएगा, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप आराम से 7 दिन के अंदर फिर भी आराम से मस्ती में पढ़ते पढ़ते पढ़ सकते हैं। निवेदन आपसे ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो बीच में छोड़िएगा मत। आप क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, आज जो छूट गया मॉडर्न हिस्ट्री वो छूट गया, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत तो खत्म, छूटना नहीं चाहिए बीच में। क्लियर है? तो पहला दिख गया आपको, पहला ट्रिक, देखो इसके आने से मेरे को बहुत फायदा हुआ है, समझ में आ रहा है, बहुत फायदा हुआ है, आसान थोड़ा चीज हो गया है क्योंकि जितना टाइम वेस्ट होता ना वो टाइम यहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। देखिए पहला, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया या गर्ल्स हॉस्टल गया, दिख रहा है पहला, बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905, अगर ये 16 अक्टूबर याद नहीं है तो कोई पंगा नहीं है, आपको याद कहां रखना है 1905 पे। क्या सुन पा रहे हैं? तो बंगाल ऐसे लिखिएगा टेक्निक, बंगाल, पहले मैं एक काम करता हूं रुक जाना, पहले मैं पूरा इसका बता देता हूं तब लिखना, तब ज्यादा आसान होगा। सुन पा रहे हो? अच्छा क्या सब अलर्ट हो? ठीक है, तो पहला बंगाल, बंगाल का विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, डन। दूसरा स्वामी, तो अंदर से स्वामी टाइप की हरामी टाइप जो भी है, तो सर एस डब्ल्यू ए इसमें अलग है स्वामी में, और एम आई अलग है, मुंबई इंडियन नहीं है, तो यहां स्वा मतलब स्वदेशी मूवमेंट 1905, 1905 में दोनों चीजें घटित हुई हैं, कौन कौन सा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, क्लियर है। उसी में से दूसरा है मुस्लिम लीग का गठन, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। क्या सुन पा रहे हो? बस टेक्निक ध्यान रखना, जहां पे आगा खान सलीमुल्ला मिंटो से मिला और बोला कि हमको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बनाना है, तो वहां पे बनाया गया, तो ये कहां से मजा आएगा, मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, आप रीड किए हुए हो तो कनेक्ट कर जाओगे, अब जैसे ही आप रीड करोगे तो उसमें से आपको लगेगा कि यार 1905 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, तो क्या करोगे, अपने कॉपी में इस ट्रिक में जाओगे और इसके साथ एक और चीज जोड़ लोगे, बात खत्म है 1905 में, ट्रिक वही रहेगा, बस आपका अंदाजा जो है बदलते चला जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? अब मान लो मैंने 1905 में आपको ये वाला नहीं बताया और आप पढ़े तो आ गए, तो क्या करना है, 1905 के अंदर जाना है और उस ट्रिक में अपडेट करना है कि 1905 में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट घटित हुआ है, इसलिए क्योंकि आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ये 5 ही डायलॉग के अंदर रहेगा,
अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा, जो भी अपडेट करना है उस ईयर में जाकर अपडेट करते जाओ। अच्छे मंदाई से बताओ क्या समझ पा रहे हो? तो सर उससे फायदा क्या होगा? बहुत पतला कॉपी रहेगा, रिविजन करना आसान हो जाएगा और जो भी चीज अपडेट होगा उसी में अपडेट होगा। तो खींच तीर के 20 पेज 30 पेज बहुत ज्यादा हो गया, क्या समझ पा रहे हैं? और रीड किया हुआ है पहले से तो 10 पेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप रीड किए हुए हो तो आपको कनेक्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि 5 ये याद रहना चाहिए, इसी 5 के अंदर पूरा समा देना है, चाहे जैसे हो जाए, जहां पे जो इंपॉर्टेंट है ईयर में कनेक्ट कर देना। अरे क्या इसमें चेंज होगा? अगर कोई घटना 1905 के बाद हुआ है 1907 1910 में, तो जो ट्रिक में 1906 इंपॉर्टेंट है और 1906 में कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ जो हम नहीं बताए, तो आपको क्या करना है, जाके वहां पे टक से ऐड करना है और उसके साथ दिमाग में रिलेट कर देना है, बात खत्म। लेकिन अलग से नहीं लिखना है। कुछ लोग अलग से आप नोट्स बनाने जैसे जाएंगे तो दिक्कत आपको होने लगेगा कि बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, लिखाते जाएगा। इसीलिए जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? तो पहला बंगाल मतलब बोलते जाना पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन, दूसरा स्वामी स्वदेशी मूवमेंट 1905, और तीसरा एमआई मुस्लिम लीग का गठन 1906। आगा खान सलीम उल्लाह मिंटो से मिला और एम लगा। अब यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है, इसमें कुछ और चीज आपको बहुत जरूरी लगा तो लिख लीजिए फट से। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सर पहली बार स्वराज शब्द इस्तेमाल हुआ है, पहली बार, उनको पता था यही होगा। ठीक है, तो पहली बार स्वराज शब्द इस्तेमाल हुआ, ध्यान से सुन पा रहे हो? अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है बीपीएससी में कि पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ या किस समय हुआ, तो सर 1905 में कि 1906 में? तो 1906 में। सुन पा रहे हो ध्यान से? अब नीचे आओ, उसी समय 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, जो कलकत्ता सेशन हुआ, तो कलकत्ता सेशन हुआ उसमें पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ स्वराज का। क्लियर है? अब आना नीचे, अब आते हैं सुमन, इधर ध्यान से देखना। अब मैंने तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही करा है कलकत्ता में, इस समय और भी चीज कुछ घटित हुई होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है वहां। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब पूरा समेटना इसमें है। तो सर कलकत्ता के बाद अब आइए सुमन, एस यू सूरत स्प्लिट, सूरत का विभाजन 1907, मेरे पास समझ में आ रही है? तो सूरत विभाजन 1907 ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गर्म दल एंड नर्म दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट गर्म दल बोलते हैं, नर्म दल क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स। तो गर्म दल को एक्सट्रीमिस्ट और नर्म दल को मॉडरेट, इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ उस विवाद के कारण सूरत में विभाजन हुआ। सूरत विभाजन मतलब कि सूरत का विभाजन नहीं हो गया, ध्यान रखना, उसमें गर्म दल अलग नर्म दल अलग। अब इधर एमओएन बचा ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो मॉर्ले कौन था, उस समय का सचिव था, मिंटो उस समय का वायसराय था, इन दोनों ने कुछ सुधार किया 1909 में, इसी को मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। क्या बुझा रहा है? अब आपको मैंने पहले पढ़ने के लिए कहा ही बोला था कि रीड किए हुए रहोगे तो इसको समझना क्या दाएं हाथ का या बाएं हाथ का या जो भी करो आराम से बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए रीड बहुत इंपॉर्टेंट है करना। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई अगर आपको बचा सकता है तो सिर्फ आपका रीडिंग हैबिट, और अगर आप आईएएस बन के 7-8 दिन में रीड नहीं कर पा रहे हैं, स्पेक्ट्रम बनने वाले हैं, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? ये भी अपने आप से एक सवालिया निशान होता है कि 7-8 दिन में अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं 100 पेज 150 पेज, तो फिर क्यों मतलब बनना है, फिर क्यों पढ़ना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो सर इसलिए आपको दिमाग में रखना है। तो लास्ट बार फिर बोल रहा हूं, अब इसके अंदर बहुत सारा चीज हुआ है, कहीं कहीं पे आपको शब्द उदारवादी मिलेगा, उदारवादी क्या है, ठीक है, कहीं कहीं पे अतिवादी मिलेगा, तो उदारवादी और उग्रवादी जो भी शब्द है, या उग्रवादी गर्म दल के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उदारवादी नर्म दल के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में जहां जहां आएगा वहां पे आपको समझ लेना है। क्लियर है? बाकी लिखते चले जाएंगे। तो सर यहां तक हो गया सुमन तक, क्लियर है? अब सुमन तक आने के बाद इसके आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेंगे। तो पहला आप बंगाल लिख लो फटाफट, उसका लिख लो स्वामी, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद सुमन। कितने लोग छाप दिए? कुछ लोग छाप दिए होंगे। अब जल्दी से इसको करिए, थोड़ा सा सुनने पे ध्यान जरूर दीजिएगा, बाकी तो मॉर्ले मिंटो सुधार ही है जिसमें गांधी जी ने पहली बार बोला था कि सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और ये बीपीएससी में पहले जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछता था, अब नहीं पूछ रहा है, बीपीएससी में पहले पूछता था कि ये डायलॉग किसने कहा है, ठीक है। अब इस बार से, पिछले बार से, दो साल से जब से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अब वो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सच में वो बेवकूफाना वाला ही क्वेश्चन है, उतना रट के और उम्मीद कोई करेगी रट्टू तोता हो गया तो सर मतलब क्या ही होगा, इसीलिए उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। और स्पेक्ट्रम के अलावा दूसरा कोई किताब नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई हवा नहीं। आगे बढ़े क्या? एक एक शब्द लिखना जितना लिखवा रहा हूं, बाकी तो आगे पढ़ोगे तो उसमें अपडेट करना है।
आगे बढ़े, हल्दी हल्दी हाथ बढ़ाइए, हल्दी हल्दी। दशहरा में तो दोनों हाथ से, एक हाथ से चौमी एक हाथ से बर्गर खा रहे थे, आप समझ पा रहे, और यहाँ हाथ नहीं बढ़ रहा है, एक हाथ नहीं बढ़ रहा है, वहां जवान भी इतना लंबा हुआ हुआ है, इसे एकदम चौमी ने सर सर जा रहा है, समझ पा रहे, वहां तो एकदम इधर जितना दे दो ले लो, कॉपी किताब में हाथ दुखने लगता है। चलो खैर, अब हम बोल दिए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये भी ध्यान रखना। हो गया लिख लिया पूरा ना, तो पता चले कि जल्दीबाजी में नहीं होता, कभी कभी दिखाने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में क्या करता था, सर हो गया मेरा, पहले ऐसे लिखते रहता था, सर हो गया, सर तो ले आ ले आओ, वो अभी लिखे जा रहा है, वो तो उसका था नहीं, लिख रहा इधर, ये वहां से हाथ उठा दिया, मेरा हो गया पहले। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गेम को, देखने में ट्रिक बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, जब लिखते जाइएगा तब लगेगा कि बाप रे बाप बहुत कुछ पाया मैं। अब आगे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि सुमन के गर्ल्स हॉस्टल भी गया है, तो घर तो जाएगा ना, ये स्वामी जी जाएंगे अभी, तो जो है सुमन तक आ चुके हैं, सूरत विभाजन, मोरले मिंटो सुधार हो गया। चलिए अब इसमें गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी सेड इस रिफॉर्म ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मुस्लिम गेट डिफरेंट इलेक्टोरल सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरल सीट्स, मतलब उनके लिए अलग चुनाव पॉपुलेशन के बेसिस पर कराया जाएगा। ये सिंपल एक ही पॉलिसी था उसका, डिवाइड एंड रूल वाला, मतलब डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या कि सिंपल भैया वो सोच लिए थे क्या कि अच्छा अंग्रेज वही काम कर रहे थे, उनके वाला दूसरा कोई काम किया जाता था, तो हिंदू मुस्लिम को जान ही गए थे कि जितना करोगे उतना बच पाओगे नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा, तो सर उसी को पकड़ लिया बीजेपी वाला, समझ में आ रहा, उसे भी टेंशन नहीं लिया, बोलता ही नहीं है कुछ, पता नहीं चलता है कि हिंदू की तरफ है मुस्लिम की तरफ, मुस्लिम वाले को भी लग रहा होता है हमारा साथ दे रहा है, हिंदू वाले को भी लग रहा है मोदी योगी जी है तो क्या दिक्कत है, और वो सब कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सब जो है खाली बस बोल के निकल जा रहा है ना, डिप्लोमेटिक भाषण। आइए इधर, तो सर ये वाला हो गया क्रांतिकारी लहर 1907 से 1912, खुदीराम बोस एंड ऑल सब इसी में आ जाएंगे टोटल। खुदीराम बोस से कहां गए थे, लेकिन उनको मारा गया मुजफ्फरपुर, तो खुदीराम बोस स्टेडियम भी है मुजफ्फरपुर में, और जहां स्टेशन है वहां पे भी खुदीराम बोस का एक अलग दरवाजा है और वो जगह है, तो खुदीराम बोस और सारा कांड इससे रिलेटेड जो भी चीज हुआ उसको हम इसमें 1907 1912 में चेप लेंगे। क्लियर है, मुझे बताना जरा, बंगाल मतलब क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, प्लीज पहला डेट याद रखना, पहला डेट याद रखोगे तो कनेक्ट करना आसान होगा, 1905 याद रखोगे और फिर बीच में जो इंपॉर्टेंट जहां बताऊंगा वो याद रखोगे, दो याद रखना और तीसरा सबसे अंतिम, ये तीन याद रखोगे तो बीच में कोरिलेट करना चार ऑप्शन में से छाटने में आसानी हो जाएगा, कुछ बुझा रहा है, तो पहला बंगाल का विभाजन 1918, तो कितना 1905, ठीक है, उसके बाद बंगाल से स्वामी, तो स्वदेशी कब 1905, स्वामी में आ गया स्वा, मी मतलब मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कब 1906, यहां पे आपका हो गया, उसी समय पहली बार कांग्रेस जो कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का उसमें बोला गया कि पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब आइए उसके नीचे, सुमन, सुमन में आएंगे, तो सुमन में आएंगे तो आपको पहले मिलेगा एसयू, सूरत विभाजन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गर्म दल एंड नर्म दल, क्लियर। उसके बाद एमओएन मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोरले मिंटो नाम था, मोरले उसमें सचिव था, मिंटो वायसराय था, इसने कुछ सुधार किया 1909 तक अपन आ चुके हैं, ध्यान से समझना। और वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था 1914, अब हम क्लोज आ रहे हैं, तो क्लोज आ रहे हैं तो नीति और पॉलिसी भी वैसे ही आ गई, यानी कि हमको पुलाएगा कि सैनिक किसको चाहिए तो पुलाना शुरू करेगा, समझ में आ रहा है। अब पुलाते पुलाते जरा नीचे आइए, तो जीएच, जी फॉर गद्दर पार्टी 1913, गद्दर पार्टी 1913 बाई लाला हरदयाल इन सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो सैन फ्रांसिस्को पर आया हुआ मैप में यूएसए, तो वहां पे बनाए, और बाद में 1857 के याद में एक गद्दर साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू हुआ था 1857 के बाद, मतलब उसके याद में एक उसका भी हुआ था, लेकिन यहां जो हम गद्दर पार्टी का जब जिक्र करें और यहां जब पत्रिका का जिक्र करें दोनों अलग है, तो पार्टी जो है गद्दर पार्टी 1913 हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, क्या सुन पा रहे हो। अच्छा क्या आप लोग अलर्ट है, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा अलर्ट रहो, ज्यादा देर क्लास नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है 10 बजे खत्म कर लेंगे आज, अलर्ट हो अब, खुशी हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, अब जाने तो जहां जाता है वहां जाए,
तो गदर पार्टी में जी फॉर क्या हो गया, गदर पार्टी जी एच में। अब नीचे है एच, एच 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 दिख रहा है नीचे, बोलो ना। हाँ 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 बोलना है, हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। एच में देखो होम रूल दिख रहा होगा, होम रूल मूवमेंट दिखा गया। तो सर इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। पहला है जैसे होम रूल मूवमेंट जब बोल रहे हैं तो इसमें 1915 से 16 हमने लिखा है और एक जगह देखना है होम रूल लीग है, लीग। तो होम रूल मूवमेंट आंदोलन अलग है और होम रूल लीग अलग है। बाई एनी बेसेंट नाम सुना होगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो आयरिश तर्ज पे ये बनाया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये तीन लोग मिलकर होम रूल लीग का गठन किए थे और वो आंदोलन में तब्दील हो गया उसी के तर्ज पे। मतलब कि सिंपल सा होम रूल लीग का मतलब क्या है कि हमारा शासन हो, हमारा घर है तो हमारा ही शासन हो, किसी और का शासन नहीं हो। हमारे घर का आंगन में अमरुद का पेड़ लगाया है तो हम ही खाएं और हम ही पानी पटाएं, ये नहीं कि पानी हम पटाएं और अमरुद को और तोड़ के ले जाए, आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके का कांड जो है ध्यान रखिएगा। तो एच फॉर क्या हो गया, होम रूल मूवमेंट। लिख लिए यहां तक, कितने लिख लिए, नहीं लिखे तो लिखो जल्दी से फटाफट लिखते जाना, हल्के मत रखना इसको नहीं तो भारी कर देगा बाद में आपको। ये तेजी में थोड़ा करना, कुछ और भी बताना है भैया। इस 5 ट्रिक में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, उसके बाद आज के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं होने वाला है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं है, अभी और कुछ बताना है इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब मैं कम से कम सोच रहा हूँ कि आज आदिवासी वाला जो है उसको भी बता दूं, क्योंकि आदिवासी से सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, तो बता दूंगा तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स रहूंगा। जितना होमवर्क दूंगा पढ़ने के लिए उतना पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे आप जिम्मेदार होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। हम अपना भाड़ा नहीं टाल रहे हैं, हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि हमारे बताने के बावजूद भी मॉडर्न हिस्ट्री आपको तभी याद रहेगा जब आप पढ़ेंगे। और सारे सब्जेक्ट में मैं कभी भी इतना नहीं बोलता हूँ, मैं हिस्ट्री में हमेशा बोला हूँ, बोलता रहूंगा, चाहे आप माने ना माने, कोई बच्चा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है, सक्सेस वही मिलेगा जब आप हिस्ट्री को रीड करेंगे। पॉलिटी में मैंने कभी नहीं बोला आपको कि पढ़ लेना, मैंने आपको फिजिकल ग्रुप में कभी नहीं बोला, मैंने आपको आईआर में कभी नहीं बोला, ये सब कितना फोकस का ही नहीं किया, सिर्फ हिस्ट्री पे ही। क्यों? क्योंकि सर हिस्ट्री जो है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, आप समझ पा रहे हैं। तो जितना रटिएगा तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा हिस्ट्री में, कोई नहीं माइकल लाल बचाएगा। आगे बढ़े, अब निवेदन आपसे, आज होमवर्क देंगे, आज जो होमवर्क और टारगेट देंगे उसको ध्यान में रखिएगा। तीन चार दिन आप लोग खा पी के आए, कुछ लोग भैंसा उसा खा के आए हैं, कुछ लोग बकरा उकरा सब खा के आए हैं, समझ पा रहे हैं। कल हर किसी के हाथ में प्लास्टिक दिख रहा था, करिया प्लास्टिक हर किसी के हाथ में, कोई ऐसा नहीं है जो खाली दिख रहा है। और काला प्लास्टिक अब जन्मे करते हैं, सुबह में सर 6 बजे से जो है बकरा में मिया रहा है, उधर मुर्गा चिल्ला रहा है, समझ पा रहे, और सब एकदम लाइन में लगा हुआ है। कुछ लोग दारू पीने वाला दारू पी के पटाए हुआ है, वो अजीब हाल है। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वां दिन मुर्गा मुर्गा, आप समझ पा रहे, इंसान का जो है चक्कर है। आगे बढ़े, इंडियन होम रूल लीग दिख रहा है, ये होम रूल लीग है। अरे इंडियन होम रूल जो बाद में चलकर फिर ये लोग अपने में मतभेद के कारण भाई बाल गंगाधर तिलक जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में बनाए, मतलब उसी से प्रभावित एक दूसरा ब्रांच, जैसे एक अरुणिमा आईएएस उसका दूसरा ब्रांच उसी में चेंज कर दिया। तो सर हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे, ये जरूर लिखना। बाल गंगाधर तिलक पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमको भी नहीं पता क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इंडियन होम रूल लीग भाई बाल गंगाधर तिलक लिख लिया होगा ना। आगे बढ़े, होम रूल चेंज टू स्वराज सभा भाई गांधी 1920 व्हेन एक्सेप्ट दी सदस्यता। गांधी जी सदस्यता एक्सेप्ट जब कर रहे थे तो उस होम रूल का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था, और 1920 की घटना है। और बाद में हालांकि वो भी सदस्यता ये छोड़ देंगे और गांधी जी न्यूट्रल ही हो जाएंगे, लेकिन जब वो सदस्यता इस बात का ले रहे थे तो उस समय वो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, स्वराज्य सभा। क्या सुन पा रहे हो, और पहली बार स्वराज्य शब्द इस्तेमाल कब हुआ जरा बताओगे, 1906 में। तो 1906 कलकत्ता सेशन में पहली बार क्या इस्तेमाल हुआ, स्वराज्य चाहिए, समझ में आ रहा है, स्वराज ट्रैक्टर नहीं, स्वराज। आगे ये नेक्स्ट, तो पहला ट्रिक हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा, पहला ट्रिक सबसे फर्स्ट क्या था ट्रिक, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, हो गया क्लियर। तो बंगाल मतलब होता ना, जरा मेरी तरफ देखो सब इधर, बंगाल मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1918-1905, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्वामी स्वदेशी मूवमेंट 1905, मुस्लिम लीग 1906, उसके बाद बंगाल से स्वामी कलकत्ता सेशन
कलकत्ता 1906 ना 1906 ठीक है। उसके बाद आगे कलकत्ता सुमन एस यू सूरत विभाजन 1907 सूरत विभाजन बिटवीन गरम दरें ना अंदर। उसके बाद सूरत एस यू हो गया और भी था उसमें मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 1909। उसके बाद घर गया जी एच जी फॉर गद्दर पार्टी 1913 गद्दर पार्टी कब 1913 और एच फॉर होम रूल तो 1915 से 16 के बीच में एक कांड है और वो बाद में चलकर 1920 में गांधी जी का जो गांधी जी सदस्यता के कारण उसका होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया है। तो ट्रिक नंबर वन हम आपको ट्रिक कहां से बता रहे हैं 1905 से बता रहे हैं इसीलिए जब आपको रीड करना है तो 1905 से पहले रीड करना है स्पेक्ट्रम बस यही तरीका है। शुरुआत में आप इसलिए पढ़वा लिया कि सोर्स वगैरह आपको ये ना लगे कि ये छूटा हुआ है बाकी जरूरी 1905 के बाद से है। क्लियर है। अब आते हैं ट्रिक नंबर टू। आज सारा ट्रिक अगर अलर्ट रहोगे देखो ये ट्रिक में टाइम लग रहा है इसीलिए ध्यान रखोगे तो ट्रिक टू जल्दी जल्दी हो जाएगा अलर्ट रहोगे ना। चलो तो अब ट्रिक नंबर टू पे आते हैं और जीवन का जो है भरपूर आनंद लेते हैं। तो ट्रिक नंबर टू आपके स्क्रीन पर ये रहा लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं यहां गलती से एल ए सी दिया हुआ है ठीक है ये ध्यान रखना। एल ए सी कहां पर आया था चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में है ना तो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है ठीक है। तो क्या है सर लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं एल ए सी दिख रहा है एक बार देखो तो जरा कुछ समझ आ रहा है। एल ए सी में एल फॉर लखनऊ पैक्ट लखनऊ समझौता 1916 और लखनऊ समझौता देखो क्या लिखा हुआ है गर्म दल अतिवादी की कांग्रेस में पुनः वापसी मतलब 1900 कब हुआ था विभाजन सूरत स्प्लिट कब हुआ साथ में गर्म दल और नर्म दल अलग हुए थे अब वापस 1916 में दोनों का आ रहा है साथ में लखनऊ समझो यानी कि गर्म दल और नर्म दल में हो गया यानी कि ब्रेकअप और पैचअप में कन्वर्ट हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है। तो धीरे 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 ये आ रहे हैं साथ में आगे चल के फिर होगा उसके बाद खूना खूनी होगा। तो पहला क्या है लखनऊ समझौता कब 1916 समझ में आ रहा है। अब 16 के बाद है गर्म दल अतिवादी की कांग्रेस में पुनः वापसी और उसके बाद है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कम्स क्लोजर उधर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो बोल रहे हैं अभी का कांग्रेस नहीं है ध्यान रखिएगा आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पूरे ये इसलिए बनाया गया था ये गांधी जी का आइडिया था। तो गांधी जी का आइडिया ये था कि अगर पूरे लोगों को जोड़ना है तो एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे लोगों को जोड़ जा सकते तो इसलिए उसके कारण ये बनाया गया था। ये इसके कारण नहीं बनाया गया था कि जवाहरलाल नेहरू जो है आएंगे और इसके क्या है इसमें हेड हो जाएंगे और इनका काम तमाम होगा मतलब ध्यान से समझना लॉजिक ये था कि पूरे इंडिया को आजाद कराना था तो आजाद कराना तो उसके लिए एक चाहिए था संगठन और वो संगठन कौन सा था आईएनसी। क्या सुन पा रहे हैं तो हम यहां देखो क्या लिखे हैं गर्म दल वापस मिल गया क्लियर है किसे मिला नर्म दल से और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में साथ आ गए हैं आईएनसी क्योंकि मुस्लिम लीग का भी चल रहा है डिवाइड एंड रूल साथ में दोनों आए हैं। दूसरा लिखा है अंबिका चरण मजुमदार आईएनसी के अध्यक्ष थे 1916 में तो जो कांग्रेस का अच्छा ये देखो कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था अलग अलग जगहों पे होता था सोचो एक ही जगह क्यों नहीं होता था अलग अलग जगह पे होता था ताकि अलग अलग लोगों को बताया जा सके अलग अलग लोगों को जोड़ा जा सके और एक तरह से यूनिटी हो सके समझ पा रहे हो। तो एक सेशन गया में हो गया फिर कहीं लखनऊ में हो गया फिर कहीं कहीं और हो गया तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेशन चला ताकि लोगों को जोड़ा जा सकता है क्या बुझा रहा है इसीलिए जानबूझकर क्वेश्चन पूछता है कि गया के अधिवेशन में क्या किया गया या गया का अधिवेशन कब हुआ ये एक क्वेश्चन पूछता है ये बीपीएससी में यूपीएससी में क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था यूनाइट करने के लिए और यूनाइट करने के लिए जब कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो डेफिनेटली उसके बारे में क्वेश्चन पूछना बनता है। तो यहां पर जितना मैं कहूंगा उतना काम हो जाएगा। तो सर 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं अंबिका चरण मजुमदार और AIIMC के अध्यक्ष 96 में रहे हैं तो अगर याद ये नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं लेकिन सर कम से कम ये मजुमदार याद रखना अंबिका चरण भूल जाना क्योंकि आपको मजुमदार टाइटल इसके बाद कहीं दूसरे जगह देखने को बहुत कम मिलेगा। क्लियर है यहां तक। तो सर LAC में लखनऊ क्लियर है और लखनऊ समझौता में क्या क्या जरा बताना 1916 में आ चुका है ना क्या क्या हुआ है
गर्म दल और नम दल का पैचअप, मुस्लिम लीग और INC क्लोजर आए हैं, कुछ बुझा रहे हैं, और अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्ष बने हुए हैं। इधर आइए, ए अगस्त डिक्लेरेशन आप पढ़े होगा तो मिला होगा, तो अगस्त डिक्लेरेशन 1917। इधर देखो, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया कि नहीं? हो चुका है शुरू। तो सर 1917 अगस्त डिक्लेरेशन हो रहा है, इसमें क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 में भी और आगे 1919 में भी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। इधर देखो, टू मेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टू मेक हैप्पी टू नरम दल, तो उसको खुश करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार आएगा, कहेगा तनिक खुश हो जाए। जवाब क्या है, पापा पहले आपको कस के डांट देंगे, आप बोलिएगा कि देखो अब गया एक बेटा गया साइकिल से जा रहा था स्कूल कॉलेज, तो देखा कि यार ये मोटरसाइकिल वाला बड़ी जल्दी से जा रहा है, तो जाके पापा से कह रहा है अब साइकिल से ना जा मोटरसाइकिल दो, तो बाप जैसे तैसे करके फिर अरेंज करके मोटरसाइकिल दे दिया। मोटरसाइकिल से एक दिन गया तो देखा कि यार ये कार से जा रहा है सब धाए धाए, सबको बारिश धूप भी नहीं लग रहा है, अब जाके फिर बाप को बोल रहा है क्या हमको कार चाहिए, कुछ बुझा रहे। अब कार भी उसका जैसे तैसे बीच बाच के दे दिया, अब कार से गया देखने, देखा कि जाम में फंस गया, तो देखा ऊपर से हेलीकॉप्टर तो चल गया रे यार, फंस मारे तो कार में फंसा हुआ था, अब कार भी क्या है ब्लॉक हो गया, अब देखा कि हेलीकॉप्टर में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जैसे ही गया कि पापा हेलीकॉप्टर चाहिए, पापा निकाले जूता, तो लॉजिक क्या है कि जिस लिमिटेशन से जितना काम हो उतना काम तो करने के, एक बार क्या है हाथ फैलाते जा रहा है, हाथ फैलाते जा रहा है, भैया लिमिटेशन समझ में आना जरूरी है कि कितना हो सकता है कितना नहीं। लिमिट जैसे ही क्रॉस करेगा तो क्या होगा, रिलैक्स हो श्री लेदर ये सब चलेगा, तो इसलिए लिमिट में रहिए, लिमिट में मांगिए तो मिल जाएगा। अब आते हैं अनलिमिट में, अनलिमिटेड चाहिए तो मेहनत करिए। इधर देखिए 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डांट के थोड़ा सा सुधार कर दिया कि ये लो थोड़ा सा ले लो, ठीक है, अब आपको आप मांगे थे 10 लाख, पापा बोले 10 लाख तो नहीं है ये 50,000 ले निकल, ठीक है, पहले 10 लाख के चलते बापूजी क्या करेंगे पहले डांट देंगे कस के, उसके बाद 50,000 दे देंगे, आपको खुशी होगा चलो 50,000 दे लो हराम खोर, कम से कम उतना नहीं दिया तो उतना तो दिया। उसी तरीके से ये वाला किया, पहले हमको डांट दिया कस के खूब बलगलाया, और उसके बाद एक दे दिया लॉलीपॉप की, ठीक है ले ये ऐस कर। तो सर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है बस वैसा ही था कि आपको नरम दल को खुश किया जा सकता है, और नरम दल को लगे कि हमारे पक्ष में काम चल रहा है। इधर देखो, नरम दल पे बहुत बड़ा आरोप है कि नरम दल वैसा ही काम कर रहा था जैसे अंग्रेज उसको बता रहा था, तो अंग्रेज का एक तरीके से कुछ लोग का स्टेटमेंट ये था कि अंग्रेज के नुमाइंदे हैं नरम दल, कुछ बुझा रहे, और अंग्रेज ने जानबूझकर कुछ वैसे लोगों को बनाया, पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एजुकेशन दिया ताकि ये हमारी तरह दिखे, हमारे कल्चर में मिल जाए, क्या सुन पा रहे। तो सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक बस नरम दल को हैप्पी करने के लिए था, और कुछ हद तक हैप्पी हुए, लेकिन उनको पता चल गया कि हमको कुछ नहीं मिला, इसलिए वर्ल्ड वॉर टू में जाकर ये लोग वापस कांड करेंगे। ध्यान से इधर आना, एल हो गया, ए हो गया, सी, सी मतलब चंपारण सत्याग्रह 1917, ये तो याद रहना ही चाहिए, कुछ बुझा रहा है, अगर ये भी याद नहीं रहे तो क्या ही बोलेंगे हम। सर चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह को, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस, तो ये कब हो रहा है 1917 को 1917। अब आते हैं उसके बाद, इसी में पहली बार तिनकठिया सिस्टम स्टार्ट हुआ, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि तिनकठिया, तो तिनकठिया का मतलब इतना ही रखिएगा 3/20। इसमें आपको जैसे नील की खेती और ओला सिस्टम था उतना ही दिमाग में रखिएगा, और तीन कठिया सिस्टम में आपको याद रखना है कि इसका कनेक्शन किससे है, चंपारण सत्याग्रह से कि सूरत के सत्याग्रह से, चंपारण के सत्याग्रह से, क्लियर है, ध्यान में रहेगा यहां तक, ठीक है। तो सर LAC में L फॉर क्या हो गया बोलना जरा, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ, गर्म दल नरम दल का वापसी, दूसरा पॉइंट मुस्लिम लीग और कांग्रेस की क्लोजर है, ए फॉर क्या अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन में आपको बस एक लॉलीपॉप दिया गया नरम दल को खुश करने के लिए, वो बाद में जाकर 1919 में भी एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, सी में चंपारण सत्याग्रह हो चुका है 1917, गांधी जी आ चुके हैं और गांधी बाबा है तब ये कांड हो रहा है, समझ में आ रहा है, और इसमें आपको तीन कटिया सिस्टम यहां तक हो गया। अब आइए तो लाख खीरा, तो खीरा में आएगा तो खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह सुनोगे ना, तो खेड़ा जगह कहां था, गुजरात में, तो सर खेड़ा पे आइए,
पहले लिख लिया, शुरुआत में लिखे कि नहीं लिखे, चेप दिए ना, चेपने में माहिर है आप लोग, हो गया चेपा गया, नहीं हुआ तो हम भेज देंगे चेप लेना, ठीक है। देखो ये आराम से कह रहे भेज देना, सच में बैठने दीजिए आराम से सर, बहुत दिन से आए हैं। क्या कर रहे थे तीन चार दिन आप लोग, है तीन चार दिन सब फूफी बजा रहा था। चलो कोई बात नहीं, आ गया ना नेक्स्ट। अभी भी कुछ लोग रेस्ट में होंगे, कुछ लोग का निद्रा मुद्रा जो है खुलेगा कब जानते हैं, कल परसों, लोग सोच लेते हैं कि बुधवार को सर बुलाए तो बृहस्पति को चलना है, ठीक है बृहस्पति बोलेंगे तो शुक्रवार को चलना है, और गलती से शुक्रवार को बोलते सोचे देखो शनि रवि तो अपना है, मंडे को चलते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, न सर कहीं जा रहे हैं न बिल्डिंग कहीं जा रहा हूँ, यही है एकदम, लोड मत लो। तो अगर ऐसे लोग सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, जीवन में आनंद खूब मिलेगा आपको, ठीक है। जवानी होना चाहिए, जवानी में पैसा इकट्ठा करने का सोच लो, नहीं तो बुढ़ापा जो है बड़ा कष्ट में जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हो जमीन बोल ले पापा के बेच के ऐस कर लिया, राम जी की मर्जी बना दिलन दर्जी, काट के सीओ बेच के पियो, समझ पा रहे, ये जो अगर टेक्निक है तो फिर कष्ट में आ जाओगे, इसीलिए जवानी में थोड़ा रगड़ा होना चाहिए, जबरदस्ती हो या कुछ मेहनत कर ले। कौन बोल रहा था, एक पता नहीं कोई संती बोल रहे थे कि हर दिन जो है सुबह जब आप उठते हैं तो समझिए कि आप माँ की गोद में हैं, और उसके बाद जन्म हो चुका है आपका 8-9 बजे, और उसके बाद दोपहर में आपका जो है जवानी आ चुका है, यानी कि आप काम पूरा करिए और उसके बाद मेहनत करिए, शाम में आप फिर बुढ़ापे के फेज में जाने लगेंगे और रात में फिर मर जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, तो लॉजिक क्या है कि ये हर दिन का चक्र चल रहा है, तो आपको सर इकट्ठा जवानी में पैसा ज्यादा करना है ताकि शाम में बुढ़ापा में कष्ट ना हो, आराम मिल जाए और फिर आराम से सुकून से मरे। याद रखिएगा जिंदा कैसे हैं उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मरे कैसे हैं उसमें सबको इंटरेस्ट रहता है कि पिलुआ फरल रहे कि ना, यानी कि उनको इस बात में इंटरेस्ट है। जैसे सर बुढ़ापे में जब कोई बहुत ज्यादा नहीं मरेगा तो लोग बोलेगे पक्का कुकर्म कर ले हुई, इस तरह से भले वो नहीं किया हो लेकिन सर कर्मा तो पीछे नहीं छोड़ता है ना, और लोगों का कर्मा ही जो है उसको आगे तक लग रहता है। तो निवेदन है प्रभु कि जवानी में मेहनत कस के कर लीजिए ताकि आपको कष्ट ना हो, फ्यूचर का टेंशन मत लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, फ्यूचर तो जो होना है सो होगा ही। हीरा यानी कि खेड़ा मूवमेंट 1918-1928 इसको बोलते हैं प्रथम असहयोग आंदोलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, और प्रथम असहयोग यानी कि पहली बार हमने बोला अंग्रेज को कि हम सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारे किसी भी कांड में किसी भी चीज में, तो प्रथम असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह को बोला गया, खेड़ा मूवमेंट को बोला गया। क्या क्लियर है यहां तक, हो गया। तो किसानों को कर से मुक्ति दिलाए गांधी बाबा जब फसल बर्बाद हो चुका था, इसी में 1918 में ही पहला भूख हड़ताल हुआ और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी इस फेज में हुआ। तो लॉजिक के भूख हड़ताल जो है उसी के लिए ही हुआ था कि भैया इस बार फसल बर्बाद हो चुका है तो कहां से क्या कांड देंगे, ये सब कुछ 1918 के तर्ज पे 1918, ये जरूरी थोड़ी है कि हर कुछ एक साल बाद ही हो रहा होगा, अरे एक साल में 4-5 काम हो सकता है, 1000-1,00,000 काम हो सकता है। तो उसी तरह से 1918 में खेड़ा मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और उस खेड़ा मूवमेंट के तहत और भी चीजें हुई जिसमें आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल हो, चाहे फर्स्ट भूख हड़ताल बोलिए, चाहे प्रथम असहयोग आंदोलन बोलिए, ये सारा खेड़ा से रिलेटेड है। क्लियर है यहां तक, तो लाख खीरा यहां तक हो गया। रोजाना, तो रोजाना हम खाते हैं, तो ROWJNA, तो रोजाना में ROW अलग करो, रॉलेट एक्ट कैसे भूल सकते हैं 1919, जहां मन को भीज उठाया पौड़ का पीट के बाद, समझ रॉलेट एक्ट ऐसा ही हमको भी करना चाहिए, जहां रोड पे कोई मिले कस के पीट दो उसको, काहे रे पड़ काहे नहीं करो, पड़त काहे नहीं करो, ऐसा अगर परमिशन आप लोग दें व्यवस्था, क्योंकि हम दशहरा में देखे थे कुछ लोग को, आप समझ पा रहे, तो हमको मन किया कि जो है काश विलियम हंटर की तरह मिला रहता, वो परमिशन की जाके दो और एकदम जो है दबा दो, लेकिन फिर देखे जाओ खा रहा है पूरा चौमिन बाहर निकल जाएगा, आप समझ पा रहे, इसलिए हम छोड़ दिए। तो सर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आगे कि आप पर्सनल, हाँ देखना जरा, तो खेड़ा मूवमेंट में ये प्रथम असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी तरीके से रोजाना में पहले इधर ये नाम सर सिडनी रॉलेट, जिसको पता लगा कि भारत में क्रांतिकारी कहां तक फैले हैं और उनको कैसे दबाया जाए, इसलिए एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया गया जिसके फैसले को कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता था, और
बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस विधेयक को काला कानून कहा गया इंडियंस के द्वारा। इस मात्र एक चीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो मैं एक कहानी सिंपल आपको बता रहा हूं। रॉलेट एक्ट का माध्यम सिंपल ये था कि बस उस विरोध जो पहले पनप रहा था और जहां जहां उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए लाया गया कि जहां भी भीड़ देखे मार दो। सुन पा रहे हो ध्यान से? और इसी का कांड है जलियांवाला बाग, जस्ट इसी के कुछ समय बाद होगा। जलियांवाला बाग इसी के कुछ समय बाद ये होगा, क्योंकि पहले से अंग्रेज जानते थे। ध्यान से समझना। तो सर सिडनी रॉलेट ये क्या काम किया, एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण हुआ जिसमें कोई भी फैसला कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता था, और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और इंडियंस ने इसको क्या बोला कि भैया ये काला कानून, ब्लैक लॉ जो है इंडिया के इतिहास में, इसको बोला जाता है इंडियन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है, तो क्लियर है यहां तक? अब इसमें रोजाना में जाना, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। अगर ये डेट याद ना रहे तो सर आपको ध्यान में रखना है कि बार बार याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जलियांवाला बाग से बहुत कुछ रिलेट होता है आगे भी पीछे भी। और 1919 में हुआ है तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका है लगभग, ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हो रहा है, और सर उधर जर्मनी का बैकफुट पे भेजना और धकेलने का कांड हो रहा है, कुछ बुझा रहा है। और उसी समय इंडिया में भी मैसेकर हो रहा है। आप सोच के देखो क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जीत चुके हैं, और जब जीता हुआ इंसान रहता है तो सर जान बुझ के देखो नौटंकी शुरू कर दिया। जब हार रहा था, जब उसको वर्ल्ड इधर इधर जब वर्ल्ड वॉर वन में सैनिक की जरूरत थी, तो सर रिफॉर्म्स और लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन जब वो जीत चुका है तब फिर वापस से दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बुझा रहा है? क्योंकि वो जीत चुका है, उसको पता है कि अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड में जीत चुका है वो, तो इंडिया के लोगों को जो थोड़ा सहूलियत दे रहा था, उस सहूलियत खत्म करके मारना शुरू कर दिया। कुछ बुझा रहा है? कुछ लोग नहीं होता है इलेक्शन में पहले एकदम बढ़िया से स्वामी टाइप जीत जाएगा, हम बनी बाबू जी हम बनी, समझ पाए? उस पर जैसे जाएगा 3-4 धापड़ लात पापड़ सब मिल रहा है, समझ पाए? नहीं तो जीत गया, उसके बाद यही होता है चारों तरफ सुनने को मिलेगा कि जीत जाता हुआ पिटा गया होता, आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि शुरुआत में स्वामी टाइप और जीतने के बाद हरामी टाइप, समझ रहे? ये लॉजिक जो है, ये कांड यहां हो रहा है। तो इसीलिए जब वो वर्ल्ड वॉर वन में जरूरत था तो बिल्कुल एकदम मस्त था, जरूरत खत्म पीटना शुरू हो गया। जानते हैं ना मुखिया जी लोग को, जानते हैं ना आप लोग, मुखिया जी लोग का ऐसा ही कांड है। तो सर जो गलती की हो तो भुगतेगा कौन? आप करोगे, बात खत्म। अब आया जरा जलियांवाला बाग 1919 के बाद, नेक्स्ट नीचे। ये जलियांवाला बाग कांड इतना बड़ा था, देखो उस समय के कितने जबरदस्त लोग थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का उपाधि जो है वापस कर दिए कि भैया इतना बड़ा कांड हो गया और हमको अंग्रेज का नाइटहुड का उपाधि और ये सब कुछ नहीं चाहिए। अभी के समय तो एक बार मेडल और उपाधि के लिए तो लोग कुछ भी कर देता है, सीधा नाइटहुड बोला विरोध में खत्म। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह भी समाप्त कर दिया, उसके बाद जानबूझकर, जस्ट देखो ये डेट देखा ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो रहा है, ध्यान से देखना, और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी अपना समाप्त कर रहे हैं सत्याग्रह। सब लोग गांधी जी को गरिया रहे हैं कि अभी तो पूरा लोग जलियांवाला बाग के कारण पूरा इकट्ठा हो गया है और विरोध में कि अब फाड़ चीर के फेंक देंगे अंग्रेज को, और उसी समय गांधी जी अपना वापस ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भाई क्या कहला बाबा, अभी जब सारा लोग इकट्ठा हो रहा है तो आप क्यों सब अभी एनर्जी है? अब बाप को मारा है तो सर बेटा जो है अभी बौखलाया हुआ है, तो बेटे के साथ देने 1000 लोग आ गए। अब उसी तरीके से बोले गांधी जी, क्या बोले? जानते थे कि इसके आड़ में अभी तो जलियांवाला बाग होगा, उसके बाद तुप तो बैठा के और मारेगा सबको, समझ पा रहे? इसीलिए वो समझ गए थे कि सर मेरे इस सत्याग्रह के कारण अगर मैं बंद नहीं किया तो अंग्रेज को एक मौका मिल जाएगा जलियांवाला बाग से बड़ा जो है हिंसा करने का, समझ में आ रहे? इसीलिए वो इमीडिएट, देखो ना कितना डेट, 5 दिन तो हुआ अभी, 5 से 7 दिन के अंदर वापस, क्योंकि सर जलियांवाला बाग के बाद वाकई लोग एकदम होते हैं ना, एक इंसान जिसको कोई डर नहीं है वो कुछ भी कर लेगा। अब सोचा कि यार इतने लोग मर गए, इतना परिवार, बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, जवान जो कमाने वाला मर गया, तो लोगों के पास बचा ही क्या? लोग कहा अब जो हो गया कुछ बचा ऐसे भी नहीं है, तो जो अंग्रेज को मिला जहां मिला वहीं उड़ा दिया, हंसुआ खुरपी रेती कोदार काट कूट के बराबर। सर उसी के समय गांधी जी का सत्याग्रह वापस करने, इतिहास का सबसे डिबेटेबल क्वेश्चन है कि गांधी जी ने क्यों वापस किया। तो सर गांधी जी ने आज तक कभी स्टेटमेंट में अपना साफ सफाई भी नहीं किया, ना जस्टिफाई किया, साफ चुपचाप। लेकिन वो अडिग थे कि भैया उनको ये बात पता था बाद में चलकर कि अगर हम अभी नहीं किए तो बड़ा कांड हो जाएगा। तो खैर जलियांवाला बाग
और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब वापस की, तो जालियांवाला बाग के बाद 1918 में ही किया और गांधी जी ने उसी समय अपना जो है आंदोलन वापस ले लिया। क्लियर है यहां तक? तो सर हम ट्रिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, है ना, कि 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम रोजाना में आ चुके हैं। रोजाना के बाद आते हैं हम, तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। ये रोजाना वाला लिख लिया, पहले रोजाना वाला लिख लो, सर भेज दीजिएगा छाप लेंगे, यही बोल रहे हैं ना, छाप लेना तब, अभी बैठे रहो लात पे लात धके। अब आना जरा आ जाओ हम पे, हंटर कमिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हंटर नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज उंग्रेज होगा, लेकिन सर अलग है। हंटर कमिटी जालियांवाला बाग के बाद बना, इसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी भी बोलते हैं। और ये हंटर जो है वो अध्यक्ष का नाम था, जो एक्चुअली स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का सॉलिसिटर था, मतलब एक तरह से न्याय। और सर ये देखो इधर, डायर को दोषी ठहराया है। डायर कौन? जालियांवाला कांड कौन किया? इसका नाम तो सर इतिहास में कोई नहीं भूलेगा, और आज तक तो कोई इसका नाम डायर उसके बाद दोबारा रखा भी नहीं। जिस तरह से कई नाम दोबारा रिपीट कभी नहीं हुआ, वैसा ही कभी डायर रिपीट नहीं हुआ, आप समझ पा रहे हैं, और आगे चल के रिपीट भी नहीं होगा। तो डायर ने जो खौफनाक, सर सोचो ये इंसान था, ये सर हैवानी तो था, इंसान थोड़ी था, ये हैवान था ये सर बेचारा। ये आदमी ना हंटर बहुत बढ़िया आदमी था, विलियम हंटर बहुत बढ़िया आदमी था। इसने उसको सजा दे दिया कि सर जो भी रीजन था ये बिल्कुल जो है ह्यूमैनिटी का तारतार किया है, लेकिन सर बाल मां का भी नहीं हुआ। और बाद में जनरल डायर को बड़े बड़े अफसर लोग बचा लिए, क्योंकि बहुत लोग सम्मिलित थे। कहा यह जाता है कि बाद में जो मौत हुआ था जनरल डायर का, वो बहुत ही अजीब मौत, और शायद खुद से अपने आप को मार लिया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, जितना भी पैसा संपत्ति और जो बड़े सब लोग जो उसमें शामिल थे, कोई कुछ नहीं बचा। अंतिम में ये इसकी हालत बिल्कुल दयनीय हो गई, बाद में सुसाइड और गोली खुद को मार लिया। नहीं 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 ध्यान समझना, उधम सिंह जनरल डायर को मारे जलियांवाला बाग के बाद, लेकिन उससे पहले एक आपको क्लिप है, जिस क्लिप में नॉर्मली बताया गया बार बार कि जनरल डायर इतना परेशान था क्योंकि वो समझ चुका था कि मैं इससे निकलने वाला नहीं हूं। सीनियर लोग बता रहे थे और ये बार बार जो है ट्राई किया और सब कुछ खत्म किया, लेकिन बाद में फाइनली ये उसमें अपने अपने एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कितनी बार मैंने सुसाइड की कोशिश करी बट कमबख्त मरा नहीं। जनरल डायर को जब उधम सिंह मारे वो बहुत नॉर्मल था। आप सोच के देखिए, अगर जनरल डायर को इतना आसानी था मारना, तो आराम से उस समय भी मारा जा सकता था जब ये जालियांवाला बाग कांड हुआ उसके जस्ट इमीडिएट बाद। लेकिन उस समय तो बच्चों का क्यों था, क्योंकि जनरल डायर अपने अंदर ही खत्म हो चुका था कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं। और उधम सिंह इतिहास में अपना इतिहास, उधम सिंह का एक ही नाम रह गया क्या, जनरल डायर को मारे, लेकिन उसके बाद कहीं जिक्र नहीं किया गया। जैसे देखो, मैंने एक दिन पता नहीं किसी को बताया था, गांधी जी को कौन मारे? नाथूराम गोडसे, सबको पता है, लेकिन नाथूराम गोडसे क्या था, उसका कहीं बैकग्राउंड, कहीं कुछ नहीं है इतिहास में। 12th ग्रेजुएशन किया था, क्या किया था, कुछ नहीं किया था, वो अपने आप कोई नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि सर गांधी जी को मारा कौन? नाथूराम गोडसे। और क्यों मारा? तो मुस्लिम का पक्ष लेते हो, इसे मार दे लो, ये अधिकतर आम आदमी जानता है। जबकि सच बात यह है कि उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता है। नाथूराम गोडसे सिर्फ एक पॉपुलैरिटी और सिर्फ उस तरीके का इंसान था जो साइकोलॉजिकली उसको स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे, जो सिर्फ वो चाहता था कि हम अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाएं, बाकी उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। किसी ने आज तक सुना कि नाथूराम गोडसे कौन पार्टी से मिला हुआ था? ना नाथूराम गोडसे का बैकग्राउंड जानते हैं, ना नाथूराम गोडसे का जन्म जानते हैं, ना कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बात जानते हैं, गांधी जी का क्या मतलब। तो कभी कभी आपका नाम सिर्फ आपके वजह से नहीं होता है, आप जिसको मारे हैं उसके वजह से होता है। तो गोडसे का नाम गोडसे पॉपुलर नहीं है, वो गांधी जी की वजह से पॉपुलर हो गया। क्या कुछ बुझा रहे हैं? इसीलिए कुछ लोग नहीं होता है बॉलीवुड में, दूसरे किसी को बार बार कमेंट करते रहते हैं, क्या है, पब्लिसिटी के लिए। एक वो है केआरके के कौन है, वो जो है बार बार किसी ना किसी को बोलते रहता है, वो दूसरे सलमान खान को बोल देगा कि आओ फरिया ले। अब सबको पता है कि सलमान खान 2 चमाटा मारेगा, 360 डिग्री पे घूमेगा, वो ऐसे उसका पावर है। तो दूसरे को अपना पॉपुलरिटी के लिए दूसरे के नाम का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो सर वापस यहाँ, तो खिलाओ इधर ध्यान से देखा, सॉरी हंटर अध्यक्ष ने उसको जो है बहुत दोषी करार दिया, लेकिन सर वो बच गया, और बच गया तो बाद में सर जो है कांड करके उधम सिंह अपने इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि विलियम जो जनरल डायर है वो ऑलरेडी शुरुआत में खुद से ही वो समझ चुका था। देखो, आप कितने भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जब आप बहुत बड़ा गलती कर लोगे ना, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा
खत्म है। तो बहुत बार ट्राई भी किया है लेकिन सर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बाद में उधम सिंह ने उनको काम खत्म दिया। तीन हो गए कि दो हो गए, दो हो गए ना, आज इतना ही रहने देते हैं ठीक है, बाकी जो तीन बचे वो कल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट शेडिंग खाली डालना तीसरा वाला, देखो एक बार नहीं डालो तीसरा, खुश हो जाता है सब, आज कम से कम इसको निपटा लेंगे, मोरनिस्टी खत्म ही हो जाएगा आज। तो तीसरा है खिलाओ ना चाचा शीला को, दिख रहा है अब शीला खाना खा नहीं रही है तो शीला को खिलाना पड़ रहा है, और उधर सलमान खान गाना बजा रहा है शीला की जवानी ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई, हमको काम का चीज है, काम का चीज रख लेना है। तो खिलाओ ना चाचा शीला को, ध्यान रखिएगा, पहला है ये जो जो टेक्निक है उस टेक्निक से पहले दूसरा शब्द लिखा हुआ है, खिलाफत कमिटी है ये, दिख रहा है मोहम्मद अली, शौकत अली, अजमल खान, मौलाना आजाद, हसरत, ये सब लोग मिलकर खिलाफत कमिटी बनाए, ध्यान से समझना। और खिलाफत कमिटी इसलिए बनाया है क्योंकि सर इनको अपना जो है अलग वैल्यू चाहिए, हर किसी को इज्जत चाहिए, भाई को भी इज्जत चाहिए। टेक्निक यहां से है खिलाओ, तो खिलाओ ना चाचा शीला को, खिलाओ यहां खिलाफत आंदोलन है, कमिटी नहीं है, ये मूवमेंट है, आंदोलन शुरू हो चुका है कब, 1919 to 1920, 1919 से 20 के बीच। क्यों, वर्ल्ड वार वन खत्म है, दबाया जा चुका है, जालियांवाला बाग कांड हो चुका है, लोग परेशान है, और उसी बीच में खिलाफत आंदोलन का कांड शुरू। और इधर देखना ए कमाल का चीज, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष का नाम देखो, गांधी जी कुछ बुझा रहा है तो आपको लगेगा अखिल भारतीय जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी है, और इस समय आपको क्या लग रहा है तो मुसलमान के सपोर्ट कर रहा था, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन गांधी जी इस बात को जानता था पहले से बहुत बढ़िया से कि सर अगर हम इस कमेटी के अध्यक्ष नहीं बने तो इसके आड़ में सारा का सारा मुस्लिम लोग को फिर डिवाइड एंड रूल तो पहले से हो ही जा रहा है 1905 में, अरे बंगाल का विभाजन अलग, मुस्लिम लीग का निर्माण हो ही चुका था, ये इतना लेवल पे कांड चल जाएगा कि फिर हम यूनाइट कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट ऑप्शन सोचे कि अगर एक बार हम साथ आ जाते हैं तो हम आराम से INC के साथ मिलाकर एक बार लड़ाई लड़ेंगे। इधर क्यों हुआ, इधर मैंने क्या बोला था गांधी जी का रोल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 का है हारे हम, 1857 का विद्रोह जो बाद का विद्रोह हुआ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा एनर्जेटिक था, फिर भी हम हार गए क्योंकि सर हमारे में क्या था, यूनिटी नहीं था, हम समझ चुका था और गांधी जी बात समझ चुके थे कि गलती दोबारा फिर से वही दोहराया जा रहा है 1857 वाला, इसलिए उनका बड़ा योगदान है रोकने में, सबको मिलाने में। और सर आप कितना भी भगत सिंह राजगुरु कितना भी चिल्ला ले, हम कितना भी कह ले, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अंतिम में देश का बापू कौन है, कुछ बुझा रहे हैं। तो इस दुनिया में आप कितना भी बंदूक हिंसा कर लो, कितना भी पावरफुल हो बंदूक से, लेकिन इज्जत हमेशा अहिंसा वाले का होगा और पूजा यही जाएगा, कुछ बुझा रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, इनसे बड़ा चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, हथियार उठाए, ये बिना हथियारे का लाठी लेके कमान में, गजब का कांड है, न कपड़ा न लाठी कुछ नहीं, ऐसा ही चल रहा है मार मार के सबका जो हालत खराब किया हुआ है, बेचारा कराटे कुंफू भी नहीं सीखा हुआ है। तो लॉजिक क्या है कि सर अहिंसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक आदमी कितना भी गोली मार दे किसी को कुछ समय बाद उसको खुद ही एहसास होना, हर फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि गैंग सब वासेपुर में चल रहा है एकदम गोली मार मार के धड़धड़ा दिया है, अंतिम उसको अफसोस हो गया कि भाई अब मेरा जो है खात्मा होने वाला है, तो वो अपने आप को बचाना भी नहीं चाहता है, वो सोचता है कि अब ऐसे भी मरना ही है, तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सबको लग रहा है षड्यंत्र रच रहा है, वो अंदर ही मर चुका है, वो उसको पता है कि अब मेरा जो है कांड हो जाना। खैर तो सर खिलाफत मूवमेंट 1920, अब इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए, गांधी जी मत बोलना है, गांधी जी ने ध्यान किए गए। उसके बाद नीचे NA नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, नॉन कोऑपरेशन भैया ना हम समर्थन करेंगे ना किसी चीज में सहयोग करेंगे, गांधी जी ने 1922 में वापस लिया क्योंकि अंग्रेज उसी बहाने फिर से लोगों को मारते जब वो लोग हिंसा करते, तो बहुत लोग को लगता है कि वापस नहीं लेना चाहिए, बट वो नहीं लेते तो बहुत लोग को मारा जाता, ये बहुत बड़ा एक है। तो इनका जो भी डिसीजन हुआ है, जिस समय भी ये कोई भी आंदोलन वापस लिए हैं उसके पीछे का इनका कांड देखी था कि इसके आड़ में मारा जाएगा। चोरी चोरा कांड भी देखिए आगे होगा, अब चोरी चोरा कांड होगा तो उस कांड में भी क्या है, बहुत लोग उसमें भी उफान बना देगा, तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर भी। इधर नॉन कोऑपरेशन खिलाओ ना हो गया चाचा, चोरी चोरा दिख रहा है 1922 भूलना मत, ये डेट याद रखना, जिस तरह से आप जालियांवाला याद रखना उससे चोरी चोरा याद रखना, चोरी चोरा का योगी जी का योगदान बहुत ज्यादा है,
चौरी चौरा को और ज्यादा जो है उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में बहुत ज्यादा यहाँ काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक है, इसलिए चौरी चौरा जरूरी है। ठीक है, चौरी चौरा 1922 वहां पे कुछ लोकल स्वयंसेवी थे जो शराब और आन का विरोध कर रहे थे, झड़प हुआ, माने नहीं तो सब थाने जला दिया, कुछ नहीं मिला तो थाना जला दिया। ठीक है, इसके पढ़ाने के लास्ट 5 मिनट, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तो सर चौरी चौरा हो गया 1922, देखना ध्यान से, इसी समय INC की मीटिंग हुई गया में, और ये क्वेश्चन बहुत बार BPSC वाला पूछता है कि चौरी चौरा के बाद मीटिंग जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, गया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हो गई, गया में। क्लियर है यहां तक? तो सर खिलाओ ना चचा हो गया, शीला, तो सर आओ शीला में SI साइमन कमीशन, अथवा इसको ऊपर करता हूं, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा बहुत जो लगा था जिसमें लाठी लगा, किसको लगा था लाठी, लाल लाजपत राय, भयंकर लाठी दिया, बताया ऐसा लाठी मारा किसी का कपार फार के बाहर कर दिया। लॉजिक क्या है सर, उसका लाठी कितना स्ट्रॉन्ग रहा आप सुन रहे, सोचिए कि कितना बेसमार लाठी मारा, नहीं गांव में बोलते हैं बेसमार लाठी चला होता हूँ, ये इस तरीके का एक शब्द आता है जब लड़ाई होता है तो कुछ जन होते हैं उसमें से जो बेसमार लाठी चलाते हैं। क्या क्या मरने वाला नहीं था भाई, ये ज्यादा हो गया, इसका तो मार थोड़ी देंगे, आप समझ पा रहे हो, अब बाबा जी का ये ज्यादा हो गया, चलो बाबा जी उतने दिया दे रहा, आप समझो ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार। तो क्या इधर देखना ध्यान से, अब आते हैं उसके पास आप तो ऐसे कर रहे हो, गोद रहे हो, मतलब सारा दादाजी लोग खतरे में आ जाएंगे, अरे अरे मैं मजे ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, टेंशन लोड मत लो, मतलब मेरा भी मजे ले लेना। तो सर शीला, इधर शीला देखिए, SI साइमन कमीशन 1927, ये डेट याद रखिएगा प्लीज, 1927, और ये डेट याद रखने का एक खास मकसद है 1927 का, 1927 हो गया, LA लाहौर सेशन हुआ 1929 में, लाहौर का सेशन 1929 लिख लिए, चलो आज इतना ही नहीं देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा चौथा ट्रिक देख लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। अब जरा मेरी तरफ देखना और आराम से समझना, पहला ट्रिक क्या था, कोई अपने कॉपी में नहीं देखा, मेरी तरफ देखो, रिकॉल करने की कोशिश करो, पहला ट्रिक क्या था, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, क्लियर, बंगाल मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है, स्वामी स्वदेशी मूवमेंट एंड मुस्लिम लीग, तो स्वदेशी कब 1905, मुस्लिम लीग 1906, गुड, बंगाल से स्वामी कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन 1906, अब उसके बाद सुमन SU सूरत विभाजन 1907, मुस्लिम सॉरी गंदन अंदर अलग, उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, क्लियर, घर गया GH गद्दर पार्टी 1913, एंड H फॉर होम रूल मूवमेंट कब 19 जल्दी 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 लगभग 1915 से 16 के बीच में, क्लियर है। अब ये पहला ट्रिक था, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, ध्यान रखना ये, ऐसे कभी नहीं याद होगा पढ़ते जाओगे तो। ट्रिक नंबर 2 क्या है, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, लाख LAC एल फॉर लखनऊ पैक, लखनऊ समझाता, डेट इधर जो खत्म थे वहां जाओ ना 1917 ना, जल्दी बोलो, लखनऊ एल 17 की 16, अरे 16 होगा 16, उधर 15 खत्म किए इधर 17 में काई खींच रहे हो, सीक्वेंस हो तो पकड़ो, कम 15 के बाद 16 की 17 तो 15 के बाद क्या आएगा 17 कौन बोल रहा है 1916, जरा देखो लखनऊ समझाता 1916, और लखनऊ समझाता में क्या हुआ है, क्या हुआ है, गर्म दल और नम दल का आपस में हुआ है, INC और MI आपस में थोड़े क्लोज आ गए, ठीक है। LA मतलब अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ है 1917, और अगस्त डिक्लेरेशन के जस्ट बाद सी चंपारण सत्याग्रह 1917, ये तो डेट नहीं भूलोगे ना। अब आओ LAC, तो सर लाख खीरा खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा में आओ तो क्या 1918 ना, अब सर ध्यान रखना प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको बोले थे, चंपारण सत्याग्रह को, तो प्रथम असहयोग आंदोलन किसको बोलेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, लाख खीरा रोजाना ROW रॉलेट एक्ट 1919, जन जालियावाला, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, क्लियर, और रोजाना हम H मतलब जल्दी बोलना, होम कहां चले गए, हम है हम, हंटर हंटर, अरे जब
जब जलियांवाला बाग कांड हो गया तो हंटर कमीशन बैठेगा, तो हंटर कमीशन बैठेगा, विलियम हंटर तो बताएगा कि ये दोषी है लेकिन उसको छोड़ दिया जाएगा, तो बाद में उधम सिंह उसको टपका देंगे। क्लियर है यहां तक? तो लॉजिक है ये ट्रिक नंबर टू। ट्रिक थ्री, खिलाओ ना चाचा शीला को, तो खिलाओ मतलब खिलाफत मूवमेंट कब, डेट देख लो, डेट देख लो अब एक बार, अब डेट देख लो एक बार, तब उसके बाद बोलना। 1919, अरे वर्ल्ड वार बोला था ना 1919 से 20 के बीच में, तो 1919 से 20 के बीच में खिलाओ ना, कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला, उसके बाद खिलाओ ना चाचा चौरी चौरा 1922, शीला एस आई साइमन कमीशन कब 1929, बहुत बढ़िया 1927, उसके बाद एल ए लाहौर अधिवेशन कब 1929, 1929 ना, क्लियर। तो खिलाओ ना चाचा शीला को, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, बस आज के लिए लास्ट ट्रिक है, चौथा ट्रिक लिखिए और जीवन का आनंद लीजिए। डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री, पहले लिख लो अभी, तब तक हम सांस ले लेते हैं। हो गया डंडा वन गांधी टू कंपोनेंट थ्री, ध्यान से देखते चलो। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग 1905 से शुरुआत अभी किए हैं और लगभग अपन अभी 1930 के करीब आने वाले हैं, क्लियर है, और 1947 तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे जीवन का आनंद लेते लेते। डंडा वन लिख लिए ना, दांडी मार्च सुना ही हो गए, तो दांडी मार्च, दांडी का नहीं सुना, सुना ही होगा। अच्छा नमक सत्याग्रह और दांडी का संबंध कुछ है? तो जो दांडी यात्रा चला वो दांडी यात्रा इसलिए हुआ कि भैया उसको नमक सत्याग्रह भी बोला गया, क्योंकि वहां गए और वहां नमक का बनाए और बोले कि हमारा समुद्र है तो हम नमक ही ना बनेंगे, चीनी थोड़ी बनेंगे, ऐसा नहीं था, नमक ही बनाना था, जो मना किया गया था कि नहीं बना सकते हैं। तो सर दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ, डेट जरा देखना, 30 की 20, 1930। तो दांडी मार्च डंडा वन, पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन सुने है ना, तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कोनो वैल्यू नहीं दिया, फिर दूसरा में गए क्या, गए, तीसरा में फिर उसके बाद गए, वैल्यू देबे नहीं करता था, काय ले जाए, तीसरा में गए भी नहीं किए, कुछ बुझा रहे। लॉजिक याद रखना कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो गांधी जी बोले जाई ना जाई ना, तो पहले बार नहीं होता कि जब आपको बुलाया जाता है कि आओ ना नाचो नाचो, तो पहले जैसे शादी पार्टी में ना था ये, तो थोड़ा भाव है ना ना, फिर दूसरा मौका मिला तो थोड़ा हिम्मत आया, तो नहीं सुनना, तीसरा मैं ऐसा ना चाहिए चौकी टूट गया, आप समझ पा रहे हैं। तो लॉजिक क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गांधी जी बेचारे नहीं जा पाए, दूसरे वाले में गए तो वैल्यू नहीं हुआ, तो सब लोग आके बोले क्या लगे रहो बेइज्जती करा के चले लो, आप समझ पा रहे हैं, तो बोले कि ठीक बात तीसरा में ना जाए, तो तीसरा में नहीं गए। तो लॉजिक क्या है, गोलमेज सम्मेलन, देखो नाम क्या है गोलमेज, ध्यान से देखना, गोल मतलब ऐसा मेज जो गोल हो, बात खत्म, तो क्या हो गया गोल मेज सम्मेलन, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गोल गोल बैठा हुआ उसको गोल मेज बोल दिया, चौड़ा चौड़ा बैठा रहता तो स्क्वायर मेज, आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके का रेक्टेंगल मेज हो जाता, तो एक गोल मेज हो गया पॉपुलर। तो 1930 देखो इधर बेचारे एक तरफ दांडी मार्च चले थे तो गोल मेज में बैठना जरूरी था ना इनको, तो ध्यान रखना कि सर पहला जो है जगह टेबल में बैठना कोशिश करेंगे, पीछे में बैठ गया जाके सब लोग उठाए गए मर्दे हटा हटा, तो फर्स्ट राउंड टेबल 1930, उसके बाद डंडा वन गांधी टू गांधी इरविन पैक, बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौता, इरविन नाम है, तो गांधी इरविन समझौता 1931, इसके अंदर इसका जिक्र। अब आपका काम क्या है कि गांधी इरविन समझौता में क्या क्या हुआ, जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे चेप दोगे, क्या समझ में आ रहा है। अब इसके बावजूद भी जो कनेक्ट नहीं करेगा, जो रीड ही नहीं करना चाहेगा, भोजन करते सर पढ़ाना दीजिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा किसी और सब्जेक्ट में कहीं नहीं कभी बोला हूं कि मैं तुम पढ़ के आना, कभी नहीं बोला हूं, लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री में ही क्यों बोल रहा हूं, मैं और किसी सब्जेक्ट में कभी नहीं, और मैं ये चीज बहुत फर्स्ट डे से बोला जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, उसमें बहुत लोगों को बुरा भी लगा अच्छा लगा, सच वही है, नहीं मानोगे तो तुम्हारा है घाटा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मान लोगे तो फायदा है। तो गांधी इरविन समझौता में क्या जिक्र है इसका, आपको आराम से काम कर लेना। अब आना है नेक्स्ट सर, इधर कंपोनेंट, इसमें दो तोड़ना है, COMP अलग है,
तो कॉम्युनल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गांधी मतलब सॉरी गांधी टू है तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1971, उसके बाद कॉम्पोनेंट कॉम्युनल अवार्ड 1932 और इसी में पूना पैक्ट, पूना समझौता सुने होंगे, तो पूना पैक्ट उसके तहत जो है उच्च कास्ट दलित और पृथक निर्वाचक जो है समाप्त कर दिए गए, और ये डिटेल में आराम से वहां देख लेंगे। पूना पैक्ट 1932 और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो सर क्या है, डंडा वन, गांधी टू, कंपोनेंट थ्री, क्लियर है यहां तक? डंडा वन दांडी मार्च, वन मतलब फर्स्ट राउंड टेबल, गांधी मतलब गांधी इरविन समझौता, टू सेकंड राउंड टेबल, उसके बाद कंपोनेंट कॉमनल अवार्ड, और उसका जो है पोनेंट है तो पूना पैक्ट, और उसके बाद लास्ट है थर्ड राउंड टेबल। क्या यहां तक क्लियर है? इसमें एक लिखा हुआ है 1934 में आईएनसी का अधिवेशन हुआ पटना में, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बिहार के हैं, और दूसरा गांधी आईएनसी से इस्तीफा दे दिए, बोले कि अब भैया नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में बेचारे भी जाने के इंटरेस्ट रखे लेकिन देखे कि भैया ऐसा नहीं है, मतलब उनको खुद समझ में आ गया कि मैं उस लेवल का नहीं हूं, मैं सामाजिक ही बन के रह जाऊंगा, तो सामाजिक ही बन के रहे। एक इंसान को एहसास हो जाता है ना कि भैया हम क्या है, अगर आपको ये भी एहसास नहीं हो कि इतने सालों के बाद आप क्या है तो फिर फायदा क्या है? जैसे आपको कभी कभी लगता है ना कि हम ये काम ठीक से कर सकते हैं, जैसे आपको कोई काम दिया जाएगा तो आपको लगता है कि ये काम हम ठीक से कर लेंगे, ये हिस्ट्री तो हम ध्यान देंगे, ये पढ़ लेंगे, जैसे बोलेगा मैथ तो मैया मर जाए, तब आपको मैथ क्या है समझ में आ गया, मैथ तो नहीं हुआ। तो कभी कभी लाइफ में क्या नहीं करेंगे, जब आपको ये पता हो जाए तो आपको ये भी पता हो जाता है कि क्या करना है, बस आपका दिमाग थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। चलो मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा तो मैं क्रिकेट में ट्राई करता हूँ, क्रिकेट ट्राई किया तो नहीं, चलो मैं रेलवे तो नहीं जा पाऊंगा तो रेलवे छोड़ दो, एसएससी कमबख्क जा रहा भी नहीं तो छोड़ दो, अब आई आई एस में, अब आई एस में लगा कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है कौन कौन सा नहीं, तो लगा कि चलो मैथ को हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे। उसी तरीके से गांधी जी को भी यह समझ में आ गया था कि मैं राजनीति में जाकर नहीं कुछ कर पाऊंगा तो मैं खुद ऐसा इंसान हूं कि मैं मदद ही खड़ी कर पाऊंगा, तो इसलिए बपचर है अपने लोगों। तो सही इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी आईएनसी से इस्तीफा दिए और आईएनसी अधिवेशन जो है ये इस्तीफा दे दिए और इन्हीं का नाम इस्तेमाल करके आज ले गांधी गांधी चल रहा है, ये बेचारे हट गए बस इन्हीं के नाम पे पूरा कांग्रेस चल रहा है, दूसरा कथी चल रहा है, कांग्रेस हो गया है मरा हुआ पार्टी, समझ पा रहे हैं? अब उसके जितने सारे नेता होता है उस सब ऐसा मरले बात बोलता रहता है, पहले ही का बात बोलेगा, देखिएगा तो दादाजी लोग को सर लड़ जाएंगे, दादाजी से बात करिएगा वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मोदी का एकदम दाढ़ी नोचने पर तैयार हो जाएंगे, समझ में आ रहे हैं? दादाजी लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा कांग्रेस 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 को ही वोट देंगे, चाहे हारे चाहे जीते, एकदम फकिया समर्थन में रहेंगे। आप उनको बार बार बोलिएगा मोदी, जैसे ही बोलेगा मोदी उनका बुखार चढ़ जाएगा, आप समझ में आ रहे हैं? मोदी को वो देखना नहीं चाहते हैं, पता नहीं मोदी उनका घर में 2 कट्ठा जोत लिया है कि 4 कट्ठा जोत लिया है पता नहीं, लेकिन नहीं देखना चाहे, क्यों? क्योंकि उस समय जो देखे हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो हर कोई डेवलपमेंट वाला काम किया ही है ना, तो बस जीवन का आनंद जो है इसी में है। अब आइए पांचवा, आज अंतिम कर लेते हैं ताकि मॉडर्न हिस्ट्री फ्री, देखो 10-15 दिन बाद के दीपावली शुरू हो, कब है दीपावली डेट पता ही होगा ना, 11-12-13 या 15 को है, जो भी हो मान लो आज 26 है, जैसे ही देखो दीपावली, दीपावली गलत टाइम पे थोड़ा इस बार हो गया है, हालांकि कोई बात नहीं, गलत टाइम क्यों, ये देखो जैसी इस महीना का उस महीने में 1 तारीख आता है ना तो सबका घंटी बजना शुरू हो जाएगा दीपावली आ गई, क्योंकि इंसान का आदत है, और जब रहता है अंतिम में, जैसे मान लो दीपावली 28 अक्टूबर को या नवंबर को तो एहसास नहीं होगा, इसलिए 1 तारीख से प्लीज कोई भांग पी के नशे में ना रहे कि 1 तारीख का दीपावली आ गया, क्योंकि गाना भी खूब बजेगा, अभी मॉल खूब सज रहा है, देख रहे हैं ऑफर ऊपर आ रहा है, फिर मॉल उलाएगा, खूब सारा ऑफर मिलेगा, गाना बजेगा, और आप नहीं चाहते भी चलिए जाएगी, चल देख के आ जाता नहीं कम से कम, और देख के गए आंख झांस से के एक कपड़ा पसंद आया आपको, अब उस कपड़े के पीछे आप भागना शुरू कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जहां तहां से जद्दोहद करिएगा। तो लास्ट ट्रिक है, लालू जी का नाम है, तो लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट, तो उनके कृपा से सब कुछ क्विटे करना पड़ता है, समझ में आ रहे, बेचारा खुद क्विट होने वाला है तो क्या करिएगा, तो लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और एमओयू। एमओयू का ऐसे फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था पहले, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब किसी दो देश के बीच में या दो पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है तो उसको एमओयू बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा कुछ अलग अलग रहता है, तो हमारा अभी एमओयू वाला मकसद नहीं है, बस हमको बताना है आपको कि क्या करना है। तो लालू इधर आइए, लालू लाहौर रिजोल्यूशन 1940, यहां 40 का मतलब है 1940, क्लियर है, क्या सुन पा रहे हो?
उसके बाद आलू, ध्यान दीजिएगा। तो आलू जो है ये अगस्त ऑफर, वापस से मैंने वहां पे भी बोला था, तो एयू जो है अगस्त ऑफर, इसमें दो नाम है जो ये अगस्त ऑफर है, गिवन बाय लिनिल थिगो, ताकि भारतीयों को सपोर्ट लिया जा सके वर्ल्ड वॉर टू में। ये भी लॉलीपॉप है कि भैया इस बार सैनिक भेजो, हम तुमको आजादी देंगे। ध्यान समझना, इंडिया वाले का पहले ही मुंह दगाया हुआ है पहले बार। अब जब छोली से एक बार मुंह दगाया जाएगा बिलाई का, नहीं गनुराम का, एक गलीरा का बिलाई जो है, बिलाई क्या है वो बार बार आता दूध पी जाता था, तो गनुराम एक बार किए कि उपाय करते हैं रुको, तो कस के वो गर्म दूध खूब उसको उबाल के रख दिया, बिलाई को बोला आओ पियो, पिया ऐसा उसका जला कि उसके बाद दोबारा वो दूध देखते 100 की स्पीड से भागता था। सेम कांड यहाँ पे हुआ सर, पहला बार वर्ल्ड वॉर वन में सबको पता था कि हमारे साथ हुआ है दगाबाजी, तो अब दोबारा क्या है उसको मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो सर फिर भी ऑफर तो देगा अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज का वही काम ही है, वो ऑफर देगा, मान गए तो ठीक है। तो सर लालू में एल ए लाहौर रिजोल्यूशन 1940, दूसरा अगस्त का ऑफर जो दिया गया, और इसमें बोला गया फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेट्स एंड इंडियन अपना संविधान बनाएंगे, एक्सेप्ट किया गया। तो बोला गया सुन भाई एक्सेप्ट किया, तू अपना संविधान खुद बनाना, तो बाद में आके लोग चल के बोलेगा वो सब काम नहीं, हम अपना बना लेंगे, तू पहले जाइबा कि ना जाइबा ये बताओ, समझिए। मतलब हम पूरी तरीके से अब तैयार थे कि वर्ल्ड वॉर टू में तभी हम जाएंगे जब हमारा पूरा का इधर, और सर वर्ल्ड वॉर टू में कोई नहीं, सब लोग मना किए थे कि कोई भी सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन गांधी जी इस बात के समर्थन में थे कि सैनिक जाएगा। ध्यान समझना, गांधी जी बोले थे कि सैनिक जाएगा क्योंकि ब्रिटिश डोमिनियन में हम लोग हैं, तो इस सैनिक को जाना चाहिए, मानना चाहिए। ध्यान समझना, उस समय भी गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर एक बार इस बार आपकी बात सैनिक गया और अगर ये बात हम लोग नहीं माना, तो इसके बाद गांधी जी भी पूरा फ्री थे कि इसके बाद पूरा फ्री छोड़ देंगे, उसके बाद अब रुकाने वाला नहीं था, क्योंकि अब पूरा एक यूनिटी उस लेवल पे पहुंच चुका था कि रुकता नहीं। तो गांधी जी इस बात के समर्थन में थे, और उससे पहले हम लोगों ने पूरा मांग लिया कि छोड़ के जाए तबे काम हुई, दूसरा कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा, ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ना कुछ, ना कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है, कोई लॉलीपॉप नहीं। तो सर यहाँ अगस्त ऑफर पहली बार डोमिनियन के बात किया गया, दूसरा कृपा, सर कृपा में क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, और यहाँ पे दो चीज दिमाग में रखिएगा, जो नाम है स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए ताकि इंडिया को ये देखो फुसला कर वर्ल्ड वॉर के लिए फिर से तैयार कर सके। तो नहीं माना तो सर क्रिप्स भी आए, उसके बाद चिप्स भी आएंगे, सब आएंगे कि चलो ना चलो, जैसे ना भोज में नहीं होता है कुछ लोग मुंह फुला लेते हैं, जैसे हमारे बोला था जो हर शादी में जीजा फूफा साला या मौसा कुछ होता है प्रजाति टाइप जो मुंह फुला लेता है, तो पहले मेहमान जाएगा, मेहमान चले ना चले ना 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 जाए, हाँ समझ पा रहे, और उसी में जो उसके बगल में जो यंग रहता है ना लड़को सोते रहता है दू थप्पड़ दे वकर चल जेबो, अब सर मेहमान जो है मेहमान बेचारे इसका भी अंदर से गुस्सा आ रहा है उसको जा रहा है, अब उसी तरह से यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो मेहमान को पहले आए दादाजी मनाने, दादाजी से नहीं मांगे दादाजी को क्या वैल्यू करेंगे, फिर तो उसके बाद पापा जी है, फिर कोई और है, और अंतिम आया सबसे यंग जो है वो जानता है ना जेबो ठीक बारो हम बाहर से ताला बंद कर देते हैं, अब सर अब उनके दिमाग में आई भाई हो गया कांड, तो वही कांड यहाँ हुआ, ये मांगने आए क्रिप्स मिशन 1942 में कांड खराब हो गया, क्लियर है। अब आना जा रही है अब सर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि ये माने नहीं हम, तब सीधा बोले कि भैया इंडिया छोड़ो, अब हमको तुम्हारे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ना मिशन ना पिशन ना ये चेम्सफोर्ड ना कोई नहीं चाहिए, अब हम तुम इंडिया छोड़ो, बाकी हम अपना देख लेंगे हमारा घर कैसे चलेगा, कुछ बुझा रहा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आंदोलन तेज हो गया, गांधी जी बात जानते थे। उसके बाद शिमला, शिमला कॉन्फ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट, और शिमला कॉन्फ्रेंस, और मैंने आपको चाइना आईआर जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक शिमला कन्वेंशन बताया था, जिसमें बोला था कि इंडिया आया चाइना को बुलाया था लेकिन चाइना आया भाग गया, और उसके साथ एक और कौन था, भूटान, अरे भूटान था जल्दी बोलो, तिब्बत, तो सर वो उसी के साथ हो गया, दलाई लामा लोग को बुला के चलो चलो हो गया, चाइना को पता भी नहीं है। अच्छा दो तीन रोज पहले का न्यूज है, परसों का या कल का, कि भूटान का और चाइना का बॉर्डर हेडलाइंस है, नीच पर भेजा भी था, हेडलाइन से जाके देखो, भूटान और चाइना का 25वां बार समझौता का कांड हो रहा है, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो उसके बीच में है वो सुलझाया जा रहा है, कुछ बुझा रहा है। और ये बात भूटान, भूटान पढ़ा चुका हूं ना, मतलब आप लोग देखे हैं पढ़े, तो मैंने बोला था कि भूटान को हमने एक तरह से सींचा है, एक तरह से हमने बच्चे की तरह उसको मानकर एक सींचा है, जिसमें हमारा कोई बेनिफिट या हमने कुछ देखा नहीं कभी, हमने ऑनेस्टली उसको उस तरह से किया। तो भूटान अभी चाइना के साथ बॉर्डर सुलझा रहा है, भगवान करे सुलझ जाए, क्योंकि हरामखोर चाइना अगर सुलझा ले
तो बढ़िया बात है, क्लियर है, हमारे लिए भी फायदा होगा, आना इधर। और हम आपको भूटान में क्या बोले थे, इंडिया जानता है कि अगर जो भूटान का एरिया कैप्चर अगर किया है चाइना और वापस तो दे दे तो भूटान तो फिर खुश हो जाएगा। तो इंडिया इसीलिए अपना पहले ही से वो जोन में रखता है उतना कि हम उतना कांड अपना कर सके, कम से कम बिजनेस कर प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, ये कांड हुआ है। इधर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, और शिमला कॉन्फ्रेंस पे जो है ध्यान से देखना, ये वेवेल योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसमें आ जाएगा। वेवेल योजना जिसमें ये जो हमारे नाम है जिन्ना, ये भूलिएगा मत, ये भूलने देगा नहीं है क्योंकि वापस आने वाला पाकिस्तान हमारे में। तो सर जो जिन्ना को है वो केवल वेवेल ने संतुष्ट किया और बोला कि भैया तुम्हारा कांड होगा, तुमको अलग से जो है हम जो है अलग मुस्लिम लीग का वर्चस्व बढ़ेगा। और वेवेल ने जानबूझकर किया क्योंकि वेवेल लास्ट वर्ड ट्राई मारना चाहता था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हो गया तो वेवेल को लगा कि अब रुकाएगा नहीं, तो सोचे कि फिर से वही गेम खेलते हैं जो पहले खेल रहे थे, इसलिए वो किसके पास गया, जिन्ना के पास, और मुस्लिम को फिर डिवाइड एंड रूल करने का गेम। हालांकि वो काम बाद में आया लेकिन वो अलग लेवल पे आया, आजादी नहीं रुका। लेकिन सर अभी एक चीज, अंग्रेज का आदत रहा है जहां से भी गया है ना कुछ ऐसा बीज छोड़ कर गया है कि सब दुनिया लड़ेगा और बाद में पंचायती के लिए हमको बुलाएगा। कुछ बुझा रहा है इधर, जैसे देखो इंडिया चाइना पड़े थे ना, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन, क्या है वो जानबूझकर नौटंकी और सब कर करके छोड़ के चला गया, कुछ क्लियर ही नहीं किया, जिसका वहां जाना 1962 में हम लोग का हुआ। अब लास्ट है कैबिनेट, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और अपन आजादी की तरफ बढ़ गए, एमओयू माउंटबेटन प्लान, अरे माउंटबेटन याद है ना, 1947। क्या क्लियर है यहां तक? सर हम सच बता रहे हैं जितना देर में जितना एक खींचे हो, हम उम्मीद नहीं थे, हम पहले यहां थे कि आज जैसा जैसा तीन गो टेक्निक पढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे आज सब खा पी के आए, थोड़ा तंदुरुस्त लग रहा है तो हम खींच दिए, आप समझ पा रहे हैं? तो कृपया बुरा ना माने, आप जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ लिए, क्लियर है? तो ये जो है पूरा मॉडर्निस्टी खत्म, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? तो मॉडर्निस्टी जो है आप जाकर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इधर शिमला से आकर हम लोग आ चुके हैं कहां तक, माउंटबेटन प्लान तक। अब माउंटबेटन प्लान को एक बार थोड़ा नीचे कष्ट करके देख लेते हैं, फिर जीवन का आनंद लेंगे। इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, जरा ध्यान से देखना और बताना कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड, जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, ध्यान से समझना, उधर आना। 1938 में आपको दिख रहा है हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के अध्यक्ष, भाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी का अध्यक्ष बनाया, जो बाद में रहे भी नहीं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से पहले ही हटा दिए गए क्योंकि अहिंसा और सत्याग्रह था, इसलिए उनको हटा भी दिया गया। फिर लेफ्ट विंग गरम दल, अरे लेफ्ट विंग वही गरम दल जो हिंसा में बिलीव करके और खत्म का सिस्टम को बराबर करना चाहता हो, राइट विंग नरम दल। आगे बोस, सुभाष चंद्र बोस का एक किताब था जिसका नाम था इंडिया स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकेंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी जी को दृढ़ता से बात रखनी चाहिए थी जो रख नहीं पाए। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का दिया। अब उसके बाद क्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल बिकॉज इट वाज गिवन डोमिनेटेड, जबकि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था, तो क्रिप्स मिशन बोले ना कि इंडिया नहीं चाहिए हमको कोई क्रिप्स रिप्स। बाकी इसमें कुछ और भी चीजें हैं, एक चीज ध्यान में देने वाली है नीचे, ध्यान देना, वो है क्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल के बाद क्रिप्स गांधी सेड इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। मतलब क्रिप्स मिशन कुछ वैसा लालच दिया गया था कि चेक तो दे दिया गया था लेकिन ऐसा बैंक का चेक दिया गया था जो बैंक रहने वाला नहीं था, आप समझ पा रहे हैं? तो गांधी जी का स्टेटमेंट था, ये पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद 1943 में उपवास फॉर 21 दिन, भाई महात्मा गांधी मरे नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 1942 आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट डिवीजन भाई मोहन सिंह, ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आजाद हिंद फौज का जो पहला जो संगठन, उसका जो लीडर था वो मोहन सिंह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो आजाद हिंद फौज जैसे नाम याद आता है तो मुंह में एक पानी आता है, सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन पहले देख लेना, मोहन सिंह का नाम जब आप पढ़ेंगे उसमें आएगा जिक्र, स्पेक्ट्रम में जिक्र है इनका। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आइए, ही ऑल्सो सॉरी स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया, रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का देन है। नीचे 1943 का अकाल, 30 लाख से ज्यादा लोग मरे, और वो ऐसा फेमाइन था वेस्ट बंगाल में जो कि सबसे ज्यादा, मतलब बाद में इसी का एक कारण था कि हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन और वो वाला कांड जो किया, ये भी एक बहुत बड़ा भुखमरी का कारण। और बाकी 1944 में राजगोपालचारी फॉर्मूला, वो मुस्लिम लीग और उसका, यहां तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो कल कंप्लीट करेंगे,
आज हमने कराया है, तो आज का होमवर्क पहले लिख लो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये रहा स्पेक्ट्रम का बुक, आप लोग को इसमें मैंने बहुत सारा चीज पहले पढ़ाया था, सुन पा रहे हैं, इसलिए पढ़वा लिया था ताकि हम जब कुछ जिक्र करें तो आपको आइडिया लगे, बाकी और कोई, क्योंकि ये आप पढ़ जाएंगे हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम आपको ईमानदारी से बोलते हैं और हम आपको इसको लंबा ज्यादा खींचेंगे नहीं, ये आपका पूरा जिम्मेदारी है। इंग्लिश वाले जो भी है, तो हम टॉपिक का नाम बोल रहे हैं, तो टॉपिक का नाम आप लिख लीजिएगा, क्लियर है, जो पढ़ चुके हैं वो भी, नहीं पढ़ चुके हैं वो भी, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यूरोपियों का आगमन इसके अंदर है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आक्रमण आगमन सब, ये सब लोग पढ़े हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लिख बोलते जा रहे हैं, आप वो जो पढ़ने के लिए बोलेंगे वो पढ़ते चले जाइए, क्लियर है। यूरोपियों का आगमन हो गया, ठीक, और जो मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, इसीलिए आप पढ़ लेना, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, पूरी जिम्मेदारी, उसमें तो जो भी डाउट होगा जहां भी होगा वो मेरे को, मैं यहीं पर रहता हूं, आप मेरे से पूछ लेना। उसके बाद दूसरा अभी जो टॉपिक बोल रहा हूं दूसरा वो पढ़ते जाना, दूसरा लिखना ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिश पावर इन इंडिया में आ जाएगा, एंग्लो मैसूर वार, मराठा वार, ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पढ़े हुए देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट, जो आंदोलन मैंने बोला वो वाला, वो कल मैं करा दू फिर, उसका टेक्निकल करा देता हूँ, मतलब जो आदिवासी वाला आंदोलन मैंने बोला टेक्निक जो बनाया हो वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है ना, अहोम और उसमें कल आराम से उसको लिखवा दूंगा, क्योंकि फिर अगर आज वो करवा दूंगा ना तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए इसका थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है। हाँ, कहाँ क्या लिखे, रिवोल्ट ऑफ एनी फील्ड लिख लिया ना, चलो उसके बाद आप लिखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, हो गया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कोई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए, लिख ले मनी, आगे बढ़ी नेक्स्ट लिखिएगा अभी पढ़ लेना उसको, बाकी देखते हैं आगे। हाँ, ये लिख लो, पहले ही पढ़ लेना है, क्योंकि अब ट्रिक है तो जो बोलो लिखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, ये पढ़ लेना अभी ही, पहले ही पढ़ लेना जो बोल रहा हूँ, ये पहले ही पढ़ लेना, लोड मत लेना कि पीछे का नहीं कुछ हुआ है, ये पढ़ लेना, क्योंकि अभी टेक्निक से काम आसान हो जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन देख लिए, उसके बाद साइमन कमीशन ढूंढ के पढ़ लेना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, ठीक है, बोलो ना। और एक टॉपिक और, इमर्जेंस ऑफ गांधी, गांधी का अभ्युदय या उदय, इमर्जेंस ऑफ गांधी, इस इमर्जेंस ऑफ गांधी पे 3-4 स्टार बना लेना, बड़ा जरूरी है ये, सारा इसी में आएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से लेकर ये ए टू जेड जितना भी हुआ ना, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब गांधी, खेड़ा, सत्याग्रह, रॉले टैक, ये सब जलियांवाला, ये सब इसी में है पूरा। तो आज जो शुरुआत करना है वो लिख लो, कहां से पहला जिस पे स्टार अभी लगा, जो लास्ट टॉपिक बोला हूं ये, और दूसरा खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, ये पढ़ना है, कुछ बुझा रहा है, इसका कोई कनेक्शन इधर उधर से नहीं है, और इधर उधर से है भी तो कनेक्शन आपको इससे बना लेना है, इसलिए आप पढ़ लेना डायरेक्ट, ये लोड मतलब पीछे का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये सब मॉडर्निस्टी का फायदा ये है कि आप कहीं से भी पढ़ोगे तो निपटा दोगे, क्यों जानते हो, आईआर अगर पढ़े हुए हो तो फायदा होगा, अगर मैप पढ़े हुए हो तो फायदा होगा, मैप और आईआर नहीं पढ़े हो नहीं फायदा होगा, उसमें लगा लाल सागर की तरफ से आया, अब मैप में लाल सागर पहुंचते नहीं है, कहां आया सर, आप ब्लैक सागर की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपको वहां मैप में समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो दो पहले आज पढ़ना है, हो जाएगा ना, तो बोलो ना, दो यही पढ़ना, बाकी जो चार बताया वो पढ़ते जाना आप, हम उसमें कहीं पढ़ने, एक और लिख लो, एक और दिल मांगे मोर,
नहीं मजा नहीं आएगा, ये दो पढ़ लेना। अच्छा हाँ एक और लिख लो बस, ताकि मेन मेन चीज पहले हम करवा लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब आपके पास है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो गोलमेज की चौड़ा मेज, गोलमेज सम्मेलन, क्लियर है? सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही पढ़ा लेंगे ताकि झंझट ही खत्म रहेगा, हो गया? चलो आज इतना रखना, बाकी कल कंप्लीट करेंगे, क्लियर है? तो ओवरऑल एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो पहला टेक्निक एक बार प्लीज रिपीट कर लो, मेरा भी हालत तो खराब ही है, तो रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला बताना, सबसे पहला ट्रिक क्या था? बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, प्लीज याद रखिएगा, बंगाल 1905 विभाजन है ना स्वामी, तो स्वदेशी 1905, 1906 मुस्लिम लीग, क्लियर? कलकत्ता अधिवेशन 1906 कहां हुआ था? गया में। आगे नेक्स्ट, गया में हुआ था कलकत्ता सेशन गया में करवाओ, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ा नेक्स्ट। अच्छा सुन मेरा, हाँ कुछ तो हुआ था, ठीक ही बोल रहा होगा नींद में मत रहो यार, कुछ लोग नींद में रहते हैं आराम से फोम काट रहा है, वो अच्छा बात है कि किसी को नहीं तो आवाज सुनाई देता, बात है सर भी आवाज दिख रही, पड़ा होता कि सुता होता ही आप समझ रहे। स्वामी के बाद, कलकत्ता के बाद क्या था? सुमन, एस यू सूरत विभाजन 1907, MON मॉर्लेमिंटो 1909, जी गद्दर 1913, जल्दी बोलो 1913, एट होम रूल 1915-16, क्लियर है? अब उसके बाद लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, क्लियर? एल क्या? लखनऊ 1916, ए आवास डिक्लेरेशन 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917, क्लियर है यहां तक? अब आगे आओ, लाख खीरा खेड़ा, खेड़ा कब? 1918, तो खेड़ा हो गया, लाख खीरा रोजाना ROW, रॉलेट 1919, जन जालियावाला 1919, जालियावाला हो गया, रोजाना हम HUM हंटर कमीशन, विलियम हंटर कब? 1920, 1920 के करीब। अब उसके आगे आओ, हम खाते हैं KHA, तो खाते में क्या आएगा? अरे भाई आएगा कुछ नहीं अब उसके बाद खिलाओ ना चाचा सीला को, थर्ड है ना कि सेकंड है? थर्ड है। तो सर पहला है खिलाफत, और खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं, कमिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो खिलाफत आंदोलन कब? डेट 1920 ना, जल्दी बोले ना, आगे आगे, खिलाफत खिलाओ ना, ना मतलब नॉन कोऑपरेशन, कब? 20 से 22, चाचा चौरी चौरा 1922, सीला SI साइमन कमीशन 1927, LA लाहौर, लाहौर रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन ना, जल्दी बोलो ना, देख के बताओ तो लाहौर रिजोल्यूशन है? लाहौर सेशन होगा, रिजोल्यूशन नहीं होगा, 1929 होगा ना, 1929, ठीक है, खिलाना चाचा सीला को, डन। फोर्थ डंडा 1, गांधी 2, कंपोनेंट 3, डंडा दांडी मार्च 1930, 1 राउंड टेबल 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद टेबल 2, तो टेबल 2 कितना 1931, उसके बाद कंपोनेंट 3 कॉमनल, कॉमनल कब हो रहा है? 1932, और पुणे भी 1932, और राउंड टेबल 3 भी 1932, याद रख लिया है? अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कौन सा है? लालू की कृपा से ट्वीट करना पड़ा शिमला का कैबिनेट और MOU, तो लालू मतलब LA क्या? लाहौर रिजोल्यूशन, यहाँ रिजोल्यूशन है, कब? डेट 1940, गुड। उसके बाद लालू ALU क्या था? ALU अगस्त, अरे अगस्त रिजोल्यूशन यहाँ था ना, कब? 1942 है कि 1940 है, जल्दी बोलो, 1940, लालू के कृपा से, कृपा मतलब क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन कब? 1942, 42 की 40, 42, तो लालू की कृपा से। उसके बाद क्विट क्विट क्विट, तो क्विट इंडिया 1942, उसके बाद लालू की कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला, शिमला का कितना 1942 ना कि 45, 1945 होगा देख लो, और उसके बाद शिमला कैबिनेट, कैबिनेट में क्या है? कैबिनेट में कुछ है? कैबिनेट में कुछ नहीं है, अरे होगा कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और MOU माउंटबेटन प्लान 1947, यहां तक ठीक है? इसके आगे का कल जिक्र करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?
आपसे निवेदन है कि दीपावली तक गैप ना करें, क्योंकि दीपावली के बाद ना चाहते हुए छुट्टी हो ही जाएगा, तो इसलिए दीपावली तक गैप ना करें। क्लियर है? बाकी मर्जी आपकी। निकल गया।